घर में बिरयानी खाता हूँ उस पर हजार करोड़ का बिजनेस बनता कैसे आप जैसे बिरयानी में हजार करोड़ मैकडोनल्ड वर्ल्ड में करीब चालीस हजार आउटलेट है और उनका 200 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है इंडिया में सिर्फ रिलायंस है जिसकी 200 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन तो आप समझ लीजिए की कितना कि बड़ा बिजनेस है जब डोमिनोज ने ऐसा क्या किया की कि वो इंडिया में पांच करोड़ का बिजनेस बना दिया कंसिस्टेंसी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी उनका पचास रूपये का भी पिज्जा है और पांच सौ रूपये का तो उन्होंने इंडिया में सबके लिए बनाया आई ऑल्सो फील डोमिनोज का बनू

तो लगता है पंजाब नॉन वेज पंजाब में वेज है, में है 60 -70 और मीट में बहुत ज्यादा मिलावट चलती है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो की हर बार जो मेरा मीट हो वो सही हो अगर आप अपना बिजनेस यूके लेके जाना चाहते हो देन आई फाउंड ग्रेट ब्रांड कॉल ए वाई एंड जे सॉलिसिटर्स ये यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं और ये एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं जैसे बिजनेस सेटअप करने में बैंक अकाउंट खोलना वेबसाइट क्रिएट करना और यूके बेस्ड ऑफिसर्स असाइन करना और भी बहुत कुछ इसके अलावा वो होम ऑफिस इंटरव्यूज के लिए मॉक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और ये नहीं ये आपको अनलिमिटेड लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस बिजनेस नीड्स ऑफ योर कंपनी इन दू के ये आपको अपना बिजनेस सेटअप करने में वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में और बिज़नेस यूके में सक्सेसफुली स्टैब्लिश करने में पूरा सपोर्ट देते हैं आज ही इनके साथ डिस्कवरी कॉल बुक करें और चेक करें अपनी एलिजिबिलिटी फॉर सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा टू द UK, मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। है इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन द यू के देन प्लीज चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ये तो हो गई अब्रॉड में बिजनेस सेटअप करने की बात अब बात करते हैं इंडिया में बिजनेस की इंडिया में फूड एक इमोशन है और हर घर में एक पर्सन होता है जिसका ड्रीम होता है टू स्टार्ट अ फूड बिजनेस सो आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे खाने का बिजनेस बनाते हैं कैसे घर से एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करके उसे स्केल करते हैं कैसे ऑर्डर्स लाते हैं और कैसे वर्ल्ड वाइड बिजनेसे सक्सेसफुल या फेल होते हैं हमने इस सब पे बात करी है आज के हमारे गेस्ट से जो है बिरयानी बाई किलो के फाउंडर विशाल जिंदल पर आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इससे कई ज़्यादा इंसाइटफुल एपिसोड लाते रहें और इस पूरे एपिसोड के छोटे छोटे वीडियोस देखने के लिए राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे सारे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है सो हमें वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं पहले तो ये बताओ फर्स्ट क्विक थिंग कितना बड़ा बन गया है बिरयानी बाई किलो अब uh, हमारे सौ आउटलेट हो गए चालीस से ज्यादा सिटीज में इंडिया में और तीन सौ करोड़ का करीब रेवेन्यू हो गया तो ठीक ठाक बड़ा हो गया अभी और कितनी हुई हजार करोड़ से ज्यादा है तो हजार करोड़ का बिजनेस कितने सालों में हजार पंद्रह से शुरू किया था तो नौ साल हो गए ठीक ठाक टाइम लग गया नौ साल में हजार करोड़ हर साल सौ करोड़ मारे हमने हाँ। <laughs> हाँ। <laughs> हाँ। कह सकते हो कह सकते हो कह सकते हो पर उससे ज्यादा खुशी है कि सौ आउटलेट हो गए और चालीस से ज्यादा सिटीज में हो गए पर एक बात बताओ Hmm. जब दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी हो रही है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है घर में बिरयानी खाता हूँ उस पर हज़ार करोड़ का बिज़नेस बनता कैसे नहीं, है नहीं नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल आप जैसे बिरयानी में हज़ार करोड़ कह रहे हैं मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में करीब चालीस हज़ार आउटलेट है hmm. और उनका दो सौ बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है इंडिया में सिर्फ रिलायंस है जिसकी दो सौ बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच डी एफ सी सब डेढ़ सौ बिलियन टाइप एयरटेल सौ बिलियन तो मैकडो तो स्केल इतना बड़ा है आप ही देखिए इंडिया में के एफ़ सी है हज़ार हज़ारवा आउटलेट आज से दो तीन महीने पहले बना था मेरे ख्याल से मार्च या फेबर में दो हज़ार चौबीस में और हर आउटलेट करीब पाँच करोड़ साल करते तो पाँच हजार करोड़ का के एफ़ सी इंडिया में बिजनेस करता है जबकि आप देखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो उनका सबसे बड़ा ब्रांड है वो सर्फ एक्सेल है जो 1959 में शुरू किया था वो आठ हज़ार करोड़ करता है और हिंदुस्तान लेबर के पास मेरे ख्याल से सर्फ एक्सेल के अलावा कोई ब्रांड नहीं है जो पाँच हजार करोड़ से बढ़ा हो सब लाइफ बॉय लाक्स दो तीन हजार करोड़ के हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस है जब मैकडोनल्ड दो बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है क्या इंडिया में है इंडिया में कर पाता है मैकडोनल्ड इंडिया में बिजनेस मैकडोनल्ड इंडिया में जो वेस्ट लाइफ जो एक मास्टर फ्रेंचाइजी है उनका ढाई करोड़ का रेवेन्यू है और दूसरी जो कैनाड प्लाजा है उनका भी करीब डेढ़ हजार करोड़ का रेवन्यू होगा प्रॉफिटेबल है हाँ हाँ काफ़ी प्रॉफिटेबल है काफी बीच में तो है। काफी आ, हाँ। इनकी कंट्रोवर्सीज आई थी ना कि बंद हो रहे हैं स्टोर्स या चल नहीं पा रहे हैं या प्रॉफिटेबल नहीं है नहीं वो थोड़ा सा जो मास्टर फ्रेंचाइजी था कैनाड जो नॉर्थ इंडिया में विक्रम बख्शी उनके साथ थोड़ा मैकडोनल्ड का इश्यूज थे पर वो पर बिजनेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो वेस्ट लाइफ का जो आज भी वैल्यूएशन आज के दिन जो साउथ और वेस्ट प्रोग्राम है हाँ, कैसे हाँ, 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 जो मास्टर फ्रेंचाइजी में तो करीब बारह तेरह हजार करोड़ की रेवेन्यू है, है, तो है बन सकता है नहीं प्रॉफिटेबल सारे धंधे होते हैं ऐसा नहीं है उसको करने का तरीका है, जैसे से मैं कहता हूँ रामेश्वर कैफे और अभी हल्दीराम का मतलब का मतलब सालों से चल रहे हैं बना लिए तो वो तो किसी भी बिज़नेस में राज होगा आप जैसे कि एक आउटलेट अगर खोलता है कोई राइट उसको आप अच्छे से कर रहे हैं या दो आउटलेट खोलते हैं तो उसमें भी अच्छा पैसा है सी डिफ़िकल्ट बिजनेस है मैं ये नहीं कह रहा कि माई आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवर सेल इट कि बहुत अच्छा कि भाई प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा पर आप अच्छे से करें तो कम से कम डिमांड तो है ही डिमांड तो है ही और बाकी तो देखिए बिजनेस फेलियर हर बिजनेस में है कम से कम पर स्केल है और डिमांड है और आप एक आउटलेट से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप ऐसे बहुत सारे आउटलेट हैं जैसे मैं चांदनी चौक में दिल्ली में मैं दिल्ली से बॉर्न ब्रॉटअप हूँ तो लोग दो चार घंटे खोलते हैं दोपहर को या शाम को बस लोग लाइन लगा के खाते हैं पर आपको वो एक ट्रस्ट एक कंसिस्टेंसी एक टेस्ट वो लाना पड़ेगा ओके okay. वो तो है

इतने लोग अगर आपने कोई अच्छा फॉर्मूला बना के अच्छा पूरा आपका बिजनेस बना भी दिया आपके पास कोई मोड नहीं होगा कोई भी आके आपको कॉपी कर लेगा और कंपटीशन ही कंपटीशन होगा आप परेशान हो जाओगे देखिए मैं इसका बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ एंड right? so, आप आई एम अ बिग फैन ऑफ पीटर थी राइट सो फ्रॉम द पेपल माफिया सारा होना पर अब देखिए मैकडोनल्ड में फिर से एग्जाम्पल वहीं से शुरू करता हूँ नाइनटीन में शायद शुरू हुआ था आज उनके समझो तीस चालीस यार आउटलेट्स हैं तीस बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू होगा दो सौ बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है सेम स्टारबक्स 1971 में शुरू हुआ था थर्टी एट थाउजेंड मेरे ख्याल से आउटलेट्स हैं वर्ल्ड hmm. में राइट right? करीब वही पच्चीस तीस बिलियन का रेवेन्यू होगा सो अबे सौ बिलियन डॉलर की करीब मार्केट कैप होगी अब देखिए जो ऐसी चिपोटले है ऐसी सब वे है जो 1960 में शुरू हुआ था सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए 1960 सिक्सटी सेवेंटी में ये बिजनेस शुरू हुए थे आज उस बात के पचास साल तो हो गए सिक्सटी इयर्स हो गए सो दीज आर वेरी डिफेंसिबल बिजनेसेस डिफेंसिबल अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कि एक बार बन गए तो बन गए ट्रस्ट आ गया आप टेक्नोलॉजी में देखिए जो पीटर थील कह रहे हैं अगेन आई एम अ बिग यू नो फैन ऑफ पीटर थील आप देखिए मोटरोला था, था आज नहीं है नोकिया था आज नहीं है राइट तो दीज बिजनेसिस में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज़्यादा है यू विल मेक वेरी गुड मनी आज फेसबुक है बहुत बड़ा है फिर इंस्टा आ गया वो तो फेसबुक मेटा ने खरीद लिया इंस्टा को लेकिन अगर कंपटीशन होता आज टिकटॉक आ गया तो दीज बिज़नेसेसर वेरी डायनेमिक राइट तो फूड बिजनेसिस एक बार बन गए और आपने उसमें सिस्टम्स प्रोसेस साथ में सिस्टम्स प्रोसेस प्रोसेसाइजेशन अगर लिया है और ट्रस्ट बना के रखा तो ये साठ सत्तर साल सौ साल चलते रहते हैं दीज आर है ब्रेंड्स जिसमें एक बार एक ट्रस्ट आ गया एक कस्टमर को कि भाई मुझे मैकडोल अगर मैं मलेशिया भी मुझे एक इंसिडेंस याद है मैं सिंगापुर रहता था मैं आठ साल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको घुमाने मलेशिया ले गए कार में तो एक बार तो ऐसा हुआ चार पाँच घंटे हो गए कुछ खाने को नहीं मिला माई पेरेंट्स आर वेजिटेरियंस तो कहीं पर हमें कुछ डोमिनोज दिख गया मैकडोनल्स दिख गया हम घुस गए इतना खुश हो गए क्योंकि हमें पता है यहाँ तो मिल ही जाएगा मैकडोनल भी वेज बर्गर्स मिलते हैं और डोमिनोज में भी तो हमें पता था कि ये दिख गया तो एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है ब्रांड है उसकी बहुत वैल्यू है लाइक आई एम रिपीटिंग बहुत डिफेंसिबल है बहुत लॉन्ग लास्टिंग बिजनेसिस हैं तो मोड तो गर... है तो है ना सो so, मोड क्या है आपको क्या लगता है मोट डू यू थिंक जैसे बोलते हैं लोग कि का रियल स्टेट है कि हैल्ड्स ने क्योंकि उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इतनी प्राइम लोकेशन पे है दुनिया की हर जगह कि वो प्राइम लोकेशन पे कुछ भी होता बिज़नेस तो उनकी जगह भी चल जाता है नहीं ऐसा नहीं है देखिए इतने ब्रांड्स आए फूड में भी जो आते हैं चले जाते हैं आपको पता है मोर्टेलिटी रेट इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, है। तो अब इंडिया में आया आया 20 साल से रेट तो एक बार एक हाँ, कि तो, आपके 100 रेस्टोरेंट लगे तो लोग कहते हैं 40 बंद भी हो जाते हैं दो साल में। तो मोर्टेलिटी हो गई लाइक डेथ तो कितनी डेथ हो जाती है तो चालीस तो परसेंट तो, अगर सौ चालीस मैंने ऐसे ही बोल दिया काफी हाई है एक इंडस्ट्री में और उसमें से चालीस बंद हो जाते हैं तो उसका फिर मोटिलिटी रेट चालीस चालीस परसेंट हाँ तो पर देखिए मैकडोनल्ड इसलिए नहीं चला रियल इस्टेट से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है वो बात सही है क्योंकि उन्होंने एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बनाया राइट प्राइस पर बनाया तो एक कस्टमर को पता है कि मुझे दो सौ रुपये में भी अच्छा खाना मिलेगा हाइजीनिक मिलेगा कंसिस्टेंट मिलेगा आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ जिस ब्रांड का मुझे नहीं पता दुकान का मुझे नहीं पता वहाँ खाना कैसे मिलेगा अगर मैं बॉम्बे रहता हूँ तो मुझे बॉम्बे के अपने नेबरहुड के पाँच दस रेस्टोरेंट्स पता है पचास पता है लेकिन जब मैं बंगलौर जा रहा हूँ मलेशिया जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता तो मैं एक जो ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट मुझे पता है कंसिस्टेंट है मतलब मुझे पता है कि वही हाइजीनिक मिलेगी वही सेफ होगा एंड सी फूड इज़ अनलाइक इफ़ आई कैन से सेन डिफरेंट अगर मुझे टैक्सी लेनी ऊबर ओला तो मुझे इतनी परवाह नहीं है शायद कि चलिए आधे घंटे में मुझे बांद्रा से अंधेरी पहुंचना है क्या फ़र्क पड़ता है थोड़ी बहुत टैक्सी कम ज़्यादा अच्छी हुई तो चलेगा खाना तो देखो राज में अपने बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ एंड वी आर वॉट वी ईट तो क्या है कि दैट इज़ वेल बींग दैट इज़ हाइजीन बल्कि हम लोग तो इंडिया में कहते हैं कि किस भाव से बनाएँ किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं अगर मैं ख़राब तेल का खा रहा हूँ अगर मैं गंदा अनहाइजीनिक खा रहा हूँ या अच्छी खा तो बॉडी डोरेट करेगी ना तो अगर मुझे तो दिस इज फूड इज़ मोर देन एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट तो उसमें ट्रस्ट और ज़्यादा चाहिए पर हाँ टेल मी वन थिंग कि पहले ऐसा होता था कि लोगों को जिस जिसपे ट्रस्ट हो गया वो सालों सालों तक ब्रांड चलती थी जैसे बॉम्बे में आई रिमेम्बर मेरे पापा वगैरह जब तो आते थे इधर तो वो भगत तारा चंद बहुत खाते थे और वो एक ब्रांड बन गया वो हमेशा बैंगलोर में जैसे बिरयानी के लिए मेघना बिरयानी सालों से चल रहा है right. वो लोग खाते ही खाते हैं राइट हर जगह एक कोई ना कोई स्पेसिफिक एक जगह है जिसकी ब्रांड बन जाती है और वो सालों तक चलती है right. और वो वहीं जाके खाना पसंद करते हैं राइट पर अब जो जनरेशन है जिनको हम लोग फ्लोटेशियस जनरेशन बोलते हैं राइट कि आप हर दिन कुछ नया ट्राई करना चाहते हो नई नई जगह से खाना चाहते हो बहुत बार आप जब ऑर्डर घर पे करते हो तब भी आपको अलग जगह से खाना चाहिए जब आप बाहर जाते हो तब भी अलग से आपको लगता है आज के ज़माने में ऐसी लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट 20 साल 25 साल सेम टाइप का खाना सेम टाइप के प्रोडक्ट्स की नीड है या ऑपरचुनिटी भी है आपको लगता है चलो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट देखिए और जो जेंजी आप कह रहे हैं वो तो हर चीज में वो फैशन में भी है मूवीज में भी है हर चीज़ में ट्रेवल में भी है कि कहाँ मुझे जाना है तो वो तो एक जनरल पैटर्न है बट हाँ, लेकिन फैशन I... में ये डिफेंसिबल है ना कि फ्ल्टिशियस हुए भी तो सेम टाइप के कपड़े नहीं बेच रहे हैं ज़्यादा हर दो हफ्ते में चेंज कर देता है कि उस केस में देखिए फूड जो है उसमें लोगों को थोड़ी कंसिस चाहे मैं फ्लैटेश फूड में लेकिन फिर भी क्या है अगर आप किसी की भी जोमेटो स्विगी ऐप पे देखो या आप उनसे बात करोगे क्योंकि हम लोग तो काफ़ी सर्विस करते हैं बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम तो क्या है कि पाँच सात ब्रांड ही होते हैं जिसमें वो आगे पीछे जाते हैं चाइनीज़ में एक दो होंगे इंडियन नॉर्थ इंडियन में एक दो होंगे जो भी वो लोग क्वीन पसंद करते हैं पीटसा में एक दो पर छः सात आठ से ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं फिर फाइनली छः सात चार पाँच छः हर क्वीन की एक दो ब्रांड्स उन दो तीन डाइनिंग के दो तीन चार डिलीवरी के उससे ज़्यादा देखिए ह्यूमन हुम, बींग को खाने में फ़ाइनली कंसिस्टेंसी चाहिए जो एक टेस्ट की उसे आदत है जिन मसालों की आदत है हर समय आप इतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते जितना okay. आप तो आपको लगता है तो आज भी लोग हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट अभी हाँ अभी मैं अपने किसी दोस्त के साथ बेंगलोर गया हुआ था तो उस वो बचपन में खाता था कहीं रामेश्वर कैफ़े टाइप जगह तो मुझे सुबह सुबह लेके गया छः बजे वहीं कर, लोगों की मेमरीज होती है फूड इज़ मेमरी फूड इज़ इमोशन तो लोगों को उन्हीं मसाले से जैसे हम कई बार यूरोप गए होते हैं दो चार दिन तो वो पिज्ज़ा बर्गर सब अच्छा लगता है फिर वो अपने जो मसाले हैं फ्लेवर्स हैं उनकी क्यों याद आती है तो फूड इज़ मेमोरी एंड इमोशंस तो यू वांट टू गो बैक टू थिंग्स जो आपने हमेशा खाई हैं देखो बताओ एक अच्छा क्वेश्चन मेरे टीम मेंबर ने बताया हमें और पूछना चाहिए मुझे लगा कि बिरयानी कहाँ से आई ओरिजिनली फॉर्म ओरिजिनेट कहाँ से हुई है देखिए मैंने भी पढ़ा ही है इसके बारे में हाँ। मैंने भी पढ़ा है तो जो पढ़ा है वो ये है कि पर्शिया से आई और बेसिकली जो वॉर्स होती थी ये आर्मी का फूड था तो जो यू नो तीन चार सौ पाँच सौ साल पहले जो वॉर्स होती थी तो काफ़ी बार क्या होता था कि एक फास्ट जल्दी खाना बनना तो आर्मी को एक एनर्जी चाहिए थी हुँ. तो प्रोटीन भी चाहिए जो मीट से मिलता है और साथ में एक एनर्जी भी चाहिए जो काप से मिलती है तो राइस और मीट को बड़े बड़े पतीलों में डाल दिया जाता था और उनको दम कुकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे बिरयानी भाई किलो में हम उसी हांडी में जैसे दम कुकिंग करते हैं तो उस बंद बड़े बड़े वेसल्स में उस समय तो मेरे ख्याल से पचास पचास सौ सौ के जी के वेसल्स आर्मी के लिए होते थे तो उसमें दम कुकिंग की स्लाइस मीट मसाले डाल दिए जल्दी जल्दी बन गया दम कुकिंग करके आधे एक घंटे में और फिर सबका तो इसकी हिस्ट्री पर्शिया से है और जो आर्मी के जो फूड से है

कच्ची बिरयानी बोलते हैं क्योंकि सब कुछ कच्चा टप पड़ता है हांडी में okay. और उसी को दम कुकिंग का मतलब होता है कि उसे बर्तन को बंद करके जैसे हम अपनी हांडी में बंद करके पनाते हैं चाहे वो आधा किलो की हांडी में एक किलो की या सिंगल पोर्शन okay. हांडी में तो वो दम कुकिंग में क्या होता है जो भी एरोमास हैं जो hmm. खुशबू है फ्लेवर्स हैं मसाले हैं जो दही के तेल वो अंदर ही अंदर के हम कहते हैं बस जाते हैं तो जब वो हांडी खोलता है कस्टमर जब उसके घर जाती है हमारे डाइनिन आउटलेट पर तो सारे वो तभी बनी होती है तो सारे एरोमास फ़्लेवर्स जो है ना एकदम बाहर भान निकलते हैं तो जो खाने का मजा है उसका तो दैट्स वाई बिरयानी और पुलाव में यही फर्क है लोग समझते हैं पुलाव अलग वही है तो बिरयानी हैज़ टू तो बी दम कुकड उसी बर्तन में चाहे वो दस है हाँ तो हम लोग इंडिविजुअली बनाते हैं आधा किलो एक किलो so हर आधे किलो की बिरयानी अलग से बनती है अलग से? एक साथ बड़े उसमें नहीं नहीं हमारे केस में बिरयानी भाई किलो में जब कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके बाद उस छोटी हांडी में सब चावल या मीट हो चाहे चिकन हो चाहे कटहल हो चाहे पनीर हो जो भी बिरयानी वो ऑर्डर कर रहा तब उसमें सब कुछ जाता है और फिर वो ओवन में जाती है और वो दम को खोती है तब कस्टमर ही उस खांडी की सील खोलता है oh. तो इसलिए तो टिक वे वी ये दमकुक हाँ, तो हाँ, हाँ, होती है हाँ, नहीं, तो सारी बिरयानी होती है ओके okay. सारी होती है जो अगर और कोई कुक और कोई वैसे कुको हाँ, बिरयानी की डेफिनेशन ही दम कुकिंग है अच्छा तो जो नॉर्मल ऐसे बड़े ऐसे तपेले में बनाते हैं वो वो हाँ पर वो भी बंद करके ही बनाते हैं वो भी बंद करके ही बनाते हैं तो दम कुकिंग ही होती है हांडी में ओके okay. हाँ पर हैदराबादी जैसे थोड़ी स्पाइसी होती है कच्ची लखनवी थोड़ी यखनी ग्रेवी होती है थोड़ी सम होता है लेस स्पाइसी होती है कलकत्ता में एग और पोटैटो भी पड़ता है तो अलग अलग जहाँ के एक ट्रेडिशन था जो बन गया गुंटूर की अलग है थोड़ा सा चेन्नई में दिंदुगल होती है ज़ीरा राइस पड़ता है द काइंड ऑफ राइस काइंड ऑफ स्पाइसेस कच्ची बिरयानी है पक्की बिरयानी है तो उसी जैसे कि इटली में आप जाओ तो कहीं थिन क्रस्ट पिज्जा है कहीं थिक क्रस्ट है कहीं पेन क्रस्ट है कहीं चीज़ी है तो बिरयानी हमारी इंडिया की धरोहर है भारत की धरोहर है और मुझे जो लगता है जिस वजह से बिरयानी बिजनेस भी शुरू करा कि दिस इज़ आई बिलीव अ सुपीरियर प्रोडक्ट देन बर्गर पिट्स आई एम सेंग इट यू नो आई एम नॉट ट्राइंग उनको नीचा किसी को नहीं दिखा रहा पर देखिए इसमें कोई ग्लूटन नहीं है जो आजकल बात करते हैं ना कि मैदा नहीं है hmm. कोई चावल है अच्छे स्पाइसेस हैं फ्लेवर्स हैं कोई फ्रोजन प्रोडक्ट नहीं है इसमें फ्रेश बन रहा है तो और काफ़ी अब नई जनरेशन भी इसको पसंद करी क्योंकि इट्स अ ईजी टू ईट मील कम्प्लीट मील और डिलीवरी में बड़ी अच्छी जाती है तो एंड टेस्टी वेरी टेस्टी डिलीशियस है आ, फ्लेवर्स हैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आप बोल रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी में इंडिया में पांच छह टाइप्स की बिरयानी होती है सात आठ सात आठ ओके आगा, सो कौन से टॉप पॉपुलर आर्ट है हैदराबादी हैदराबादी बिरयानी लखनऊ बिरयानी कलकत्ता कलकत्ता बिरयानी बिरयानी गुंटूर गुंटूर फिर तेलंगाना स्पाइसी है फिर दिंदुगल है जो चेन्नई में फिर मलाबार है जो केरला में है तो काफी तरह की बिरयानी सबसे ज्यादा कौन सी बिरयानी बिकती है हैदराबादी हैदराबादी बिरयानी है, 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 जो ग्रेवी वाली होती है तो इसको एक बैक ट्रैक करते है। हुँ, हुँ. मैं आज एक छोटा सा कुक हूँ घर में बनाता हूँ मुझे खाना बनाने का शौक है हुँ. और आज मैं एक बहुत छोटे स्केल पे खुद की एक शॉप या क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का सोचता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए छोटे बिज़नेस फिर हम बड़े बिजनेस पर भी आएंगे पहले, पहले एकदम छोटे बिजनेस पे पर कि कोई अगर ये देख रहा है अपने घर में बैठ के और वो सोचता है कि मैं अपनी केक की दुकान खोलूँगा या मैं अपने बिरयानी की दुकान खोलूँगी या मैं एक छोटा सा दाल बाटी की दुकान खोलूँगी वटैवर जो भी पंद्रह चीज़ें खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं देखिए पहले तो मैं जो एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो देखिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है बनाते हुए या आपके घर में दो अपने माँ बाप को या बच्चों को अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं है कस्टमर को भी अच्छी लगे तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन एनालिसिस करनी चाहिए जैसे क्या अपने ही आप मान लीजिए इंदौर का एग्जांपल ले लेते हैं आप इंदौर से इंदौर में आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इंदौर का एक डेटा ले लीजिए पहले आप मान लीजिए पिट्सा शुरू करना चाहते हैं राइट तो पिट्सा में डोमिनोज तो होगा वहाँ पर पिट्सा हट होगा तो आप थोड़ा ज़रा पता करके आइए कि कितना बिजनेस करता है उनका आउटलेट थोड़ा सा जाके मैनेजर से बात करके थोड़ा सा मैनेजर दे बता देते हैं थोड़ा बातचीत में देखिए थोड़ा सा

एक आउटलेट पे कितना रेवेन्यू आता है मान लो दस लाख महीना आता है बीस लाख आता है तीस लाख आता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और पर ऑर्डर की कितन, पर ऑर्डर क्या वैल्यू है जैसे कि कई बार हो सकता है पिट्सा में जैसे मैं एग्जांपल लूँ डोमिनोज का तो इंडिया में पर ऑर्डर वैल्यू फोर फिफ्टी है एवरेज उनके अट्ठारह आउटलेट है और करीब फिफ्टी करोड़ का बिजनेस है तो फिफ्टी करोड़ अगर आप उनकी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि पब्लिकली अवेलेबल है देखें जुबिलेंट फूड्स तो इस साल का 5400 करोड़ का करीब रेवेन्यू है वो मिल जाएगा 1800 आउटलेट हैं करीब दस बीस ऊपर नीचे तो आपको पता लग गया है कि पर आउटलेट करीब तीन करोड़ साल का होता है मोटा मोटा तीन करोड़ तो पच्चीस लाख महीने का होता है अब उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि मतलब दिन का अस्सी होता है अब फिर आप देख लीजिए कि दिन के कितने ऑर्डर्स थोड़ा सा बात करके या गूगल पे या मैनेजर से ऑर्डर्स आते हैं तो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकल जाती है डोमिनोज के केस में फ़ोर फिफ्टी रुपीज़ तो आपको एक आइडिया लग गया कि डोमिनोज और पिज्ज़ा में फ़ोर फिफ्टी रुपीज़ का करीब ऑर्डर आता है तो आपका भी ऑर्डर तीन सौ और छः सौ के बीच में कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा चीपर पिज्ज़ा कर रहे हैं तीन सौ साढ़े तीन सौ का मतलब पिज्ज़ा का टोटल ऑर्डर वैल्यू है पिज्ज़ा okay. के साथ गार्लिक ब्रेड भी जारी होगी वो भी है ऐसे ही आप पिट्सा हट का देख लीजिए एक दो और ब्रांड्स का जोमेटो स्विगी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंडिया में ठीक है तो एक तो पहले कंपटीशन की जोमेटो स्विगी से कैसे मिलती है जब आप इसमें तो थो, थोड़ा सा मुश्किल है सॉरी जोमेटो स्विगी से लेना पर अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस शहर का जो भी जोमेटो स्विगी का रिप्रेजेंटेटिव है अगर आप थोड़ी बात करें थोड़े फ्रेंडली हो तो थोड़ा आइडिया वो भी दे देगा अच्छा दे देते तो, हाँ अगर usually. थोड़ा सा थोड़ा सा आई थिंक एंटरप्रीनरशिप वाली जुगाड़ चाहिए पर ठीक है मिल सकता है okay. मिल सकता है थोड़ा सा करना तो पहले तो कॉम्पिटिशन एनालिसिस फिर आप ये देख लीजिए कि भाई कि इतने ऑर्डर्स अगर आते हैं दिन के एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आएगी मेरी हुँ. हर ऑर्डर की राइट और दिन के मैं कितने ऑर्डर जनरेट कर सकता हूँ मान लो पचास कर सकता हूँ बीस कर सकता हूँ सौ कर सकता हूँ तो अपना एक रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर लीजिए आप अगले तीन महीने का छः महीने का एक साल का पर मंथ का अपने खर्चे निकाल लीजिए जो रनिंग खर्चे कि भाई मेरे को दो तीन तो किचन में लोग रखने पड़ेंगे एक दो वैसे रखने और शुरू में आई विल इनक्रेज कि आप क्लाउड किचन आजकल एक अच्छा मॉडल है कि भाई आपको एक डाइनिंग जगह नहीं चाहिए क्लाउड में कि भाई लोगों को बिठा के खिलाने की तो रेस्टोरेंट से बेटर क्लाउड किचन है अच्छी तरह में शुरू करने के लिए मैं यही नहीं okay. कहता हमेशा के लिए बस शुरू करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्योंकि उसमें कैपिटल कॉस्ट शुरू में कम लगती है कि आप बहुत बड़े रेंटल वाली जगह मॉल पे हाई स्ट्रीट पे लेने की जरूरत होती है आप कहीं भी खोल सकते हैं जो थोड़ी जगह लेके तो एटलीस्ट एक आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही आपको कितने रुपये वो कस्टमर ऑर्डर के देने को राजी है फिर आप उसको डाइनिन में ले जाइए और बड़ा कर लीजिए पर साथ में ये है कि भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कंपटीशन एलिसिस के बाद थोड़ा सा आप दस बीस पच्चीस लोगों को खिला के देख लीजिए वो भी ऐसा नहीं जो आपके बिल्कुल ही रिश्तेदार हो या चाचा हो या मामा वो तो अच्छा ही बता देंगे आप दस पंद्रह बीस ऐसे कुछ लोगों को जो थोड़े से आपके दोस्तों के दोस्त हैं हुँ. उनको खिला के देख लीजिए कि वो उनसे पूछ लीजिए कि इस खाने के आप इतने पैसे देंगे क्या हुँ. या ये अगर आप इस तरह का पिज्जा खाते हैं तो किसका खाते हैं उससे हमारा बेटर है कि नहीं थोड़ा सा जैसे आप निकले तो कंपटीशन का कस्टमर का एक आइडिया ले लीजिए फिर एक थोड़ा सा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं कहता हूँ कि हम सब लोग दिन में तीन चार बार खाते हैं महीने में सौ बार खाते हैं तो मैं मतलब इंडिया में तो अभी थोड़ा बाहर का खाने का चलन थोड़ा सा कम है पर मैं सिंगापुर रहा हूँ आठ साल वहाँ तो जैसे जो साल महीने की नब्बे सौ मील होती हैं सारी की सारी ही घर के बाहर की हैं या तो डिलीवरी है? घर में नहीं बनाते वाले हाँ मैं कितनी बार अपने दोस्तों के घर वहाँ गया नॉन इंडियन इंडियन तो फिर भी बनाते हैं अगर चाइनीज़ हैं यूरोपियन है चाइनीज़ तो ख़ास उनके घर में किचन में शायद मैंने तेल भी नहीं देखा सिर्फ चाय बनाने का सामान होता है तो नब्बे सौ मील तो देखिए बिज़नेस तो ये बहुत बड़ा बनेगा सब जगह क्योंकि जैसे जैसे एक लेबर विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ेगी जो आज के दिन काफ़ी कम है पच्चीस परसेंट ही है जैसे ये बढ़ेगी चाइना में सत्तर परसेंट है या वेस्टर्न कंट्रीज में और जैसे जैसे हमारी लेबर एक्सपेंसिव होगी आजकल तो काफ़ी घर में जो अमीर घर हैं मेड्स होती हैं चीज़ें तो जैसे जैसे वो मेड्स एक्सपेंसिव होती जाएंगी विमेन जो हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन में बढ़ेगा तो जो आज के दिन लोग तीन चार मील शायद घर में डिलीवर कराते हैं महीने में या बाहर खाते हैं वो दस बीस पच्चीस तीस आराम से होने लगेगा महीने में हाँ ओके कमिंग बैक टू original question, कि पहले तो आप computer analysis करो और फिर 25 लोगों खिलाओ 20-25 खिला देखो खिला। उनसे पूछ लो कि आप खाओगे नहीं खाओगे किस प्राइस पे मान लो अच्छा लग गया अब हम रेडी हो गए क्लाउड किचन से स्टार्ट करना चाहिए रेस्टोरेंट से नहीं करना चाहिए शुरू में तो उसके बाद ये आप देख लीजिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा आपका ओवन लगेगा गैस लगेगी ज्यादातर क्लाउड किचन पाँच दस लाख में भी लग सकती है पाँच दस लाख में तीन चार लाख में भी लग सकती है तो बेसिक एक करके आप जोमेटो स्विगी या कहीं अपना ही जो लिस्ट करा के उसमें एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका कि कैसे है कि आप देखिए कि कितना बिजनेस आ रहा है चल रहा है जोमेटो स्विगी में लिस्ट कराने के लिए क्या लगता है

तो आप कर सकते हैं आप चाहें तो छोटा डाइनिंग भी खोल सकते हैं पर शुरू में मैं इंकरेज करूंगा थोड़ा छोटा ही खोलिए क्लाउड किचन हाँ कि आपको कस्टमर का पता लग जाए आप उस प्रोडक्ट को देखिए कंसि एक बार अच्छा बनाना अलग चीज़ है हफ्ते में एक बार या रोज एक बार पर आपके दिन में अगर पचास ऑर्डर आ रहे हैं तो पचास बार कंसिस्टेंटली अच्छा बनाना अच्छे के साथ सेम बनाना अच्छा बुरा तो शायद कुछ नहीं होता सब्जेक्टिव है फूड में पर हाइजीनिकली बनाना कंसिस्टेंट बनाना वो प्रोसेस सेट करना अपनी टीम को सेट करना पर जैसे मैंने शुरू में बोला पॉडकास्ट में कि मैकडोल नाइनटीन सिक्सटी से चल रहा है स्टार बर्स तीस तीस चालीस एयर आउटलेट्स दिस अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस अगर आपने कंसिस्टेंसी कर ली ट्रस्ट क्रिएट कर लिया तो एक बहुत लंबा बिजनेस है ओके okay, तो अब स्टार्टिंग में आपने कर लिया कॉम्पिटेटिव एनालिसिस फिर आपने 25 लोगों को खिला लिया फिर आपने एफ लाइसेंस ले लिया शॉप स्टैब्लिशमेंट लाइसेंस ले लिया फिर आपने जोमेटो स्विगी पे डाल दिया हाँ। अब अपनी वेबसाइट बना के भी डाल सकते हैं हाँ, अब आप रेडी हो माल बेचने के लिए खाना बेचने के लिए ऑर्डर्स कैसे आए थे उसमें देखिए आज के दिन जब हमने शुरू करा था जोमेटो स्विग्गी इतने बड़े नहीं थे आज तो जैसे एक जोन में करीब जोमेटो स्विगी के भी पंद्रह सौ से दो हजार रेस्टोरेंट होते हैं हजार तो मामूली बात है दिल्ली बम्बे में तो एक जोन में पंद्रह सौ दो हजार तो उसमें ऊपर आना अपनी मार्केटिंग करना आसान काम नहीं है एग्जैक्टली exactly. तो आपको काफ़ी जोमेटो स्विगी से एड्स में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा शुरू में 50 सौ दो सौ कस्टमर अपने बलबूते पे भी लाने पड़ेंगे थोड़े फ्लायर जैसा फ्लायर सुबह mm -hmm. न्यूज़पेपर में डाल दीजिए चीज़ें पर मैंने देखा फूड में लोग चांस दे देते हैं चलो एक बार ट्राई करते हैं नया खुला है नया खुला है थोड़े से अपनी सिटी के आप इन्फ्लुएंसर्स जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनसे बात करके उनको खाना भेज दीजिए अगर उनको अच्छा लगा तो थोड़ी बहुत वो पोस्ट रील डाल देंगे तो शुरू में देखिए हर बिजनेस थोड़ा मुश्किल है तो उसमें थोड़े तो एक आपको वाइब एक थोड़ा सा बस क्रिएट करना पड़ेगा अपने शहर में अपने एरिया में थोड़ा फ्लायर्स डाल के थोड़ा ब्लॉगर्स छोटे मोटे यू नो अगर आप रेडियो चैनल पर मतलब थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा जोमेटो स्विगी पे उस पर अगर अच्छा हो तो पर कंपटीशन हमेशा ज़्यादा है मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पर अगर डिफ्रेंशिएटेड है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है डिलीशियस है राइट right प्राइस पे है तो उसकी मार्केट भी है लेकिन गॉट एंड तो अब आपने बताया कि ये घर में ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो राइट पहला इसमें क्वेश्चन है कि तीन से पाँच लाख रुपए लगते हैं स्टार्ट करने में तो वो लोग कैसे लेके आते हैं कोई इस पर कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह कुछ होती है कि नहीं जुगाड़ करके घर वालों से मांग मूंग के जैसे जैसे करके चालू चालू करने पड़ेगा करके करना पड़ेगा पार्टनर बना के करके देखिए आज के दिन तीन से पाँच लाख की किसी भी बिज़नेस में आज ऐसे में बिज़नेस ऐसे लोन प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं ऐसी बात नहीं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लोन देते हैं यू नो काफ़ी तो लोन की भी एजेंसी काफ़ी है आज के दिन और फिर लेकिन मुझे लगता है दो तीन चार लाख एक दो पार्टनर बना के थोड़ी सी करके थोड़ा बहुत जुगाड़ तो देखिए एक, एक एंट्रप्रेनर को करनी पड़ेगी अपनों के वो तो करनी पड़ेगी पर फिर भी एक कम उसमें और देखिए मैं मैं खाली ये नहीं कहना चाहता कि जोमेटो स्विगी या क्लाउड किचन सी करिए ऐसे बहुत से लोग हैं एंड आई वॉन्ट टू कि भी उन्होंने एक चाहे ठेला कह लो या छोटी सी दुकान कह लो या उस पर कर लो पर में हम लोग जब दहली रहते थे तो करोल बाग की कर करोल बाग में छोले भटूरे की दुकानें होती थी चीज़ें तो लोग उसी दुकान पे जाके पर एक ही प्रोडक्ट था या ज़्यादा से ज़्यादा दो प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं कि लोग वहीं खाते हैं लाइन yes. तो वही कंसिस्टेंसी अगर टेस्ट है आपका तो लोग आ जाएंगे अब वो क्लाउड किचन में आए छोटे डाइनिंग में आए छोटी दुकान में आएँ पर लेकिन आपको प्रोडक्ट के साथ बहुत ट्रूथफुल होना पड़ेगा कि उसमें टेस्ट भी है राइट प्राइस पे भी है और एक कंसिस्टेंट भी है मैं बता रहा था कि मैं सात से आठ साल से एक ही जगह खा रहा हूँ जहाँ पे

वहां पर एक बैंक है बैंक है जिस पास में छोटा सा ठेला लगता है वहीं पर मैं तो देखिए आपने खुद ही बता दिया मटर कुलचे मैं सात आठ साल से वहीं जा रहा हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है वहां जाके ही मटर देखिए खाने में क्या है कि लोग कहते हैं कि अच्छा खाना मिल जाता है बहुत जगह लेकिन नहीं मिलता है एक्चुअल में तो जैसे आपको अच्छा वहां मिल गया आप आज भी वहीं जाते हैं ये बात एक्चुअल में नोट करने वाली है तो एक बार अगर अच्छा मिल जाए तो लोग जैसे मैं बॉम्बे आता हूँ मुझे स्वाति स्नैक्स बड़ा पसंद है हाँ। तो मैं जाता हूँ ऐसे वेजिटेरियन जब जाता हूँ वैसे मैं नॉन भी खाता हूँ तो स्वाति स्नैक्स में मेरा एक टेस्ट जुड़ा हुआ है तो अच्छी जगह तो देखिए बॉम्बे में मुझे पता है वो तीन चार पाँच ही बेंगलोर में तीन चार है दिल्ली में दो चार तो वो आदमी नहीं छोड़ता जब क्योंकि उसे पता है वो स्वाद वो कंसिस्टेंसी वो प्राइस और कहीं नहीं मिलेगा ओके okay. सो हाँ. so, अब अपन आते हैं उस पर कि एक बार आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया हुँ, 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 हुँ. अब यहाँ से बड़ा बिजनेस कैसे करते हैं तो बड़ा देखिए एक से ही होता है एक करा आपने फिर आप दो करोगे फिर तीन करोगे फिर एक से टीम मैं चार पांच कर लोगे पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाँ. बहुत बारी आपने भी सुना होगा एंड मैंने तो एटलीस्ट मेरी लाइफ में हजार लोगों से सुना है हज़ार एग्जैज रेटिंग बट बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है ये अलग अलग शहरों में कि यार पहले जब इसकी वो छोटी दुकान थी ना तभी अच्छा होता था अब तो बिगड़ गया है जैसे ही बड़ी दुकान होती है टेस्ट बिगड़ जाता है जैसे ही वो चार पांच अलग अलग जगह पे स्टार्ट कर देता है उसका टेस्ट बिगड़ जाता है ये एक रूमर या मिथ भी है बट लोग इसके बारे में बात करते थे ना कचौड़ी तभी बनती थी अब तो इतने फेमस हो गए बात, बात, नहीं, नहीं, बात सच भी है भी इस फिर से उसी बात पे आ जाता हूँ कि मैकडोनल्ड के आज समझो चालीस आउटलेट हो गए थाउजेंड हो गए तब भी कंसिस्टेंट आप चाहे मलेशिया जाओ चाहे जर्मनी जाओ चाहे इंडिया जाओ चाहे कानपुर जाओ सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको तो कैसे कर सकते हैं एक छोटा तो, रेस्टोरेंट हाँ तो उसके लिए एक माइंड सबसे पहले चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी लानी है आप ये नहीं कर सकते कि आज जो कुक है या जो रसोईया है उसका मन है कि उसने आज नमक ज़्यादा डाल दिया या आज उसने ज़्यादा आग जला दी तो आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेस इतने रोबस्ट करने पड़ते हैं कि हमारे जैसे इफ आई कैन से हमली हजार बिरयानी बाई किलो में हमारे कोई शेफ्स नमक भी नहीं मिला सकते हर चीज़ पीछे से आ रही है हर टेमरेचर कंट्रोल्ड है हर चीज तो वो वैसी मैकडोल्ड में होता है वैसी पिज्ज़ा हट में होता है तो जब आप एक से दो दो से तीन तक तो ओनर खुद मैनेज कर सकता है क्योंकि वो अपनी लेबर को अपने हिसाब से ट्रेन करता है खुद मॉनिटर करता है उसके बाद सिस्टम्स एंड प्रोसेस हैव टू टेक ओवर वो एक थोड़ी सी साइंस है काफ़ी टेल मी कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं अगर एम श्योर पाँच सौ होंगी बट कौन सी ऐसी बेसिक पांच चीज़ें हैं जो इंसान को ध्यान रखनी चाहिए जब वो एक छोटा सा अपना एक रेस्टोरेंट या एक आउटलेट पर अगर काम करते हैं वहाँ से वह दो पाँच दस जगह ले जाना चाहते हैं कौन सी पांच चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ करनी चाहिए उन्हें सबसे मेजर जिसको जो मेक और ब्रेक कर सकता है आपके रेस्टोरेंट। तो एक तो इंग्रेडिएंट सारे स्टैंडर्डाइज होने चाहिए देखिए मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो दो ही चीज़ें हैं अगर आपके इंग्रेडियंट स्टैंडर हैं आप जो पनीर ले रहे हैं जो चिकन ले रहे हैं मट जो आप स्पाइस ले रहे हैं चावल ले रहे हैं आटा ले रहे हैं वो आप एक ही वेंडर एक ही ब्रांड का लेना पड़ेगा आपको अगर आपने वो चेंज कर दिया तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगी तो पनीर अगर मैं एक डेयरी से लेता हूँ और फिर दूसरी डेयरी से लिया तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा कम्पलीटली मतलब हो सकता है मैंने कहना हो ही जाएगा हो सकता है क्योंकि हर पनीर अलग है हर चिकन का अगर आप चिकन लेते हैं तो आप 900 ग्राम का ही सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ चिकन कारकस लेते हैं तो 900 ही ग्राम का लेंगे आपने जहाँ 1100 ग्राम का लिया तो वो जो कट के बनेगा वो डिफ़रेंट बन जाएगा श्योरली really? हाँ वो तो तो यू हैव टू स्टैंडर्डाइज ये जो आप चावल लेते हैं चीज़ें तो पहले तो हर इंग्रेडिएंट जो आपके मसाले हैं चीज़ें हैं दे हैव टू बी स्टैंडर्डाइज उसमें आप ब्रांड और उसको भी आपको कंटिन्यूसली चेक करता रहना पड़ेगा कि वो चेंज तो नहीं हो गया अगर आप क्योंकि दूसरा प्रोसेस अगर आपका खाना जिस टेम्परेचर पे बन रहा है जिस मॉइस्चर लेवल पे बन रहा है जिस कंडीशंस में बन रहा है तो वो सब बल्कि लोग वो एकदम सेम होना चाहिए तो जो प्रोसेस है कि भाई आपको अगर खाना आग पे चार मिनट जाता है, तो है, चार ही मिनट जाएगा साढ़े तीन या साढ़े चार मिनट नहीं कितनी आग पे जाएगा तो हर चीज़ के टूल्स हैं कि भाई आग कितने टेम्परेचर पे जल रही है इस समय पर, ओवन में कितना है पर मुझे एक बात बताओ जब एक इंसान का एक रेस्टोरेंट होता है जैसे इंदौर में एक ठेला है मुझे बहुत पसंद है रमेश मद्रासी डोसा उसको बोलते हैं मुझे लगता है आज बहुत लोग जाएंगे ठीक <laughs> है तो मैं वहाँ पे खाता था बचपन में और आज भी खाता हूं मुझे काफी पसंद है उसका स्टाइल और वो बनाना ये आनंद बाजार में है ठीक है इंदौर में एक जगह आनंद बाजार वहां पर छप्पन के आसपास है नहीं 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 आगे है छप्पन से छप्पन से आगे तो वो वहाँ पर बनाता है अब उसके पास मैंने पिछले दस साल से खाया है मुझे टेस्ट सेम ही लगता है उन्होंने तो कभी नहीं बनाया कि मैं मॉइस्चर ऐसा रखूँ कि मैं इतनी आँच पे ही रखूँ मेरा ऐसा ही रॉ मटेरियल होना चाहिए मेरा प्रॉब्लली उनका ख़रीदने की जगह एक होगी लेकिन कितने मॉइस्चर बनाए कितनी आँच पे बनाया कितना किस में बनाया वो तो हर बार वो तो मन से बनाते जाते हैं नहीं उनका हाथ और सिस्टम सेट है उनका आप एक अगली बार जाइए तो ये भी पूछेगा उनका तो देखिए वो खुद बनाते हैं जिसको वो ट्रेन करा होगा उसी दुकान पे उन्होंने एक दो चार लड़कों को तो नहीं, नहीं वो तो एक ही भैया हाँ, है भाई, आपस में दो तो, भाई वो बनाते तो रहते हैं उनका बिल्कुल सेट है सर उनका राज बिल्कुल सेट है जैसा आग चीज़ें उनको अगर वो आपको बता भी नहीं पाएंगे तो उनको इंस्टिंगटिवली सेट है वो अच्छा। आपकी मेरी मदर का भी फाइकिन हमली से उनका भी सेट है कि भाई मैंने पंद्रह मिनट ही आग पे रखना है ऐसा नहीं वो पंद्रह मिनट गिन रही हैं पर उनके दिमाग में वो घंटी सेट है उनकी भाई मैं इतनी आँच पे इतना हिलाऊंगी करूँगी शायद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा है पर उनके दिमाग में सबकॉन्शियस में सेट है वो वो instinct, ये Instinctively set क्योंकि मेरा होने वाला था कि जैसे मेरी मॉम है हाँ। अगर आप बोलते कि उनका वो सेट है तो मैं यही एग्जांपल पूछता हूँ है, 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 है। और सालों से खा रहा हूँ और, और मुझे वो बेस्ट लगती वर्ल्ड की होगी हंड्रेड परसेंट होगी लेकिन मैंने हाँ। उनको कभी नहीं देखा कि वो गिन के कुछ डाल रही है कुछ हमेशा मन से डालती है वो एंड में मैजिक होती है वो चीजें सेट है कहीं ना कहीं वो आपकी मसल मेमोरी में आ गई जैसे हमारी स्विमिंग है साइकिलिंग है हमने शायद पाँच साल ना भी करें हमारी मसल मेमोरी में है या उनकी... वो टेस्ट भी नहीं करती है मतलब मुझे ने... लगता है क्या है ये उनकी देख के सुन के बता दें कि थे... उनकी अच्छी बनी है कि नहीं थे... बनी माओ की तो एक अलग खासियत है पर लेकिन सबकी सबकॉन्शियस में लेकिन वो एक में सेट हो सकता है दो आउटलेट में वो सौ आउटलेट में नहीं हो सकता मसल मेमोरी में इंस्टिंक्ट में या वो उसके लिए राइट ट्रेनिंग्स राइट सिस्टम्स प्रोसेस राइट ऑडिट तब जब बहुत जरूरी हो जाते हैं ओके okay. तो आप बोल रहे हो एक इंसान जब करता है और बहुत सालों के लिए करता है तो उनकी इंस्टिंक्ट होती है हुँ. उसके बाद उस इंस्टिंग को ही प्रोसेस बनाना है Process कि बनाना, मैं कितनी आज पे मॉइस्चर पे कितना मसाला डालूँगा कितने ग्राम डालूंगा ये सब एक प्रोसेस एंड टू एंड फ्रॉम जीरो टू एंड में मुझे जो डोसा बनाना है या बिरयानी बनानी है उसमें क्या क्या लगता है उन सबका एक स्टैंडर्ड होगा जो रोज़ वैसे ही डलेगा और फिर उसके बाद क्या करते हैं एक बार आउटलेट पाँच दस हो जाए तो लोग क्या करते हैं सेंट्रलाइज किचन बना लेते हैं तो जो बेसिक चीज़ें मान लीजिए आप डोसा बनाते हैं तो इडली डोसा का बैटर एक सेंट्रलाइज किचन में बन जाता है और वो सुबह सुबह या दिन में दो बार सब आउटलेट्स में चला जाता है जिस चीज़ में ज़्यादा स्किल चाहिए उसको फिर सेंट्रलाइज कर लिया जाता है जैसे हम अपना सालान हैं अपनी जो मीट्स के कट्स हैं या अपनी फिर वो एक सेंट्रल जगह बना लेते हैं हमारे इंडिया में चार जगह हैं जहाँ सेंट्रल बना लेते हैं तो वो फिर सिस्टम्स प्रोसेस जैस पर आई थिंक एक बार आपका एक बिजनेस मॉडल सेट हो गया दो आउटलेट में एक में तीन में जहाँ चीज़ बिकती है तो फिर काफ़ी कंसल्टेंट्स भी हैं इस फील्ड में जो आके स्टैंडाइज कर देंगे आप okay. कर देंगे पर शुरू का धंधा और कस्टमर और प्रोडक्ट आपको बनाना है क्वेश्चन okay. right. so, hmm. कौन से आप इतना डेटा अगर देखते रहते हो तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कौन से सी ऐसी गैप्स हैं इंडिया में जिसमें लोग खाने की स्पेसिफिकली फील्ड में जिसमें लोग बिजनेस बना सकते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि यार अभी इनमें बहुत स्कोप है और अलग अगर किसी ने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया इसकी ब्रांड बना दी तो इंडिया बहुत खाएगा बहुत चलेगा कुछ देखते हैं आपको ऐसे हाँ देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाऊँगा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से देखता हुआ हूँ तो जुबिलेंट ने डोमिनोज 96 में लॉन्च करा था मैकडोनल्ड ने भी इंडिया में 96 टाइप में ही लॉन्च किया था तो मुझे याद है उस समय भी मैं उनकी मैनेजमेंट सीनियर टीम से मिलता था 2000 में 2002 में उस समय उन्हें लगता था ये तो इंडिया में कभी नहीं चलेगा क्योंकि डोमिनोज नहीं चलेगा आपको लगता था क्यों सबको ही लगता था अच्छा उनको तो लगता ही था क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि पीटसा आज के दिन तो हमें आदत पड़ गई आपको मेरे को हम सबको जो पर लेकिन उन उस समय लोगों को लगता था ये तो बच्चों का खाना है बड़ों का तो है ही नहीं या ये लंच या डिनर की मील नहीं है ये तो बीच में कभी चार पाँच बजे जब मौका लगा तो समोसे की तरह खा लो तो उस समय वो कैटेगरी क्या होती है जब शुरू हो रही होती है तो बहुत छोटी होती है उसमें फाइट मानना पड़ता है तब लेकिन वो आज इतनी बड़ी हो गई आज के दिन जो मैं देखता हूँ जैसे बबल टी है वो चाइना में बहुत चलती है सिंगापुर में मैं रहा हूँ वहाँ बहुत चलती है अब मैं देख रहा हूँ बबल टी का बहुत आ रहा है मैं सिंगापुर से इंडिया आया था करीब दस साल पहले तो उससे मैं सुशी बहुत कम मिलती थी अब बहुत जगह मिल रही है तो आपको यह, दो ही तरीक़े हैं या तो ऐसी कैटेगरी पकड़िए जो बहुत चलती है जैसे डोसा हो गया या बिरयानी हो गई जो बहुत चलती है पर बहुत कॉम्पटिशन है यह ऐसी कैटेगरी पकड़िए जो नई शुरू हो रही है जैसे बबल टी है नई शुरू हो रही है सुशी है आज के दिन मान लो एशियन खाना हो सकता है कई बार छोटी सिटीज़ में मैं चाइनीज नहीं कह रहा एशियन मलेशियन है खाउसे है मतलब तो डिफरेंट ग्रीन करी है, है, है पाटथाई है।, है शायद कम मिल रहा हो तो अगर आप उतना अच्छा दे सकते हैं अपने शहर में तो आपका चल जाए क्योंकि आपको दो ही तरीक़े हैं या तो ऐसी चीज़ लीजिए बहुत वॉल्यूम की है कंपटीशन बहुत है पर डिमांड भी बहुत है Hmm. ये ऐसी चीज लीजिए कि बहुत नेश है बहुत कम लोग कर रहे हैं पर डिमांड भी कम है पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप अपना नाम बना सकते हैं वो चॉइस आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पर मिल जाते हैं डू यू थिंक कि जो ओल्ड पुराने जमाने में जो खाना चलता था जो बहुत ज़्यादा होता था उनकी आज डिमांड होगी बिल्कुल है बिल्कुल है जैसे हाँ. मैं ट्राई कर रहा था मैं आपको बताता हूँ मुंबई में मैं अगर सुशी टाइप करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट पांच रेस्टोरेंट्स पता है जिनमें वर्ल्ड I mean, मुझे मुझे दाल बाटी मुझे मिलती नहीं मुंबई में।, में मुझे एक थाली चाहिए मैं राजस्थानी थाली खाने का बहुत शौकीन हूँ मुझे नहीं पता कि बॉम्बे में अच्छी राजस्थानी थाली खा मिलती है सो आपको ये ट्रेडिशनल खाना मिलता तो रीजनल जो खाना है अच्छा अब महाराष्ट्र खाना महाराष्ट्र के बाहर या बंगाली खाना है अच्छा बंगाली नहीं। खाना नहीं मिलता बॉम्बे में मुझे तो लगता है तो आपको एक निश डेवलप करनी पड़ेगी अपनी और आपको लगता है कि वो चल सकता है बिल्कुल जैसे मैंने डोमिनोज का आई थिंक अच्छा एग्जाम्पल लिया कि दो में आज से चौबीस साल पहले मतलब तो ये समझाना पड़ता था कि पिज्ज़ा लंच में भी खाया जा सकता है ये बच्चों का खाना नहीं बड़े भी खा सकते हैं तो फ्री भी खिलाना पड़ता था चीज तो वो एक थोड़ी सी एक पेशेंस चाहिए फिर उस कैटेगरी में बट पर देन एटलीस्ट आपका कंपटीशन तो कम है और डिमांड तो है ही डिमांड तो है ही वो जो जैसे कहा आपको जैसे दाल बाटी की कहते हैं हुड़क है कि दाल बाटी मिले आप तो मज़ा आए तो वो हु तो ऐसे आप जैसे काफ़ी लोग होंगे बॉम्बे में जिनको है अगर वो अच्छी मिल जाए तो वो धीरे धीरे मार्केट बनती है पर जो बन जाएगी वो कस्टमर बहुत लॉयल होगा अगर आप अच्छा दे रहे हैं कंसिस्टेंट दे रहे हैं ओके okay. सो so अगर आपको चूज़ करना हो तो चूज़ वन हुँ. क्या चूज़ करोगे ऐसी चीज़ जो बहुत डिमांड में है और उसमें बहुत कंपटीशन है आज अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है खाने के में कि ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट अभी बहुत छोटी है लेकिन फ्यूचर में स्कोप है देखिए मैं थोड़ी जिसका फ्यूचर में स्कोप है मार्केट छोटी है क्योंकि उसमें ब्रांड बनाना और कस्टमर बनाना धीरे चलता है पर क्योंकि जिसमें बहुत कॉम्पटिशन है उसमें बहुत डीप पॉकेट्स नहीं है जिसमें बहुत डीप पॉकेट चाहिए फाइट काफ़ी है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जिस जब भी मैंने जितने बिजनेसिस किए हैं कि ऐसी कैटेगरी में घुसना चाहिए जिसमें डिमांड अभी निश है, थोड़ी कम है पर ग्रो बहुत कर रही है okay. देख रही है और, और कैसे है, देखते हो कि ये ग्रो हो रही है मतलब ये कैसे पता चलता है आज प्रॉब्ली अगर आप मुंबई देखो हुँ. या पूरे इंडिया में देखो पच्चीस तरह के नए ट्रेंड चल रहे हैं राइट कोई थाई रेस्टोरेंट्स का बहुत अगर ट्रेंड होगा बोबा टी अगर आप बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा चल रही होगी कहीं पे आई डोंट नो ट्वेंटी अदर थिंग्स और चल रही होंगी जो अलग 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 अलग, अलग, अलग लोग खा रहे हैं राइट वियतनामीज ऑल ओवर सडन बहुत फेमस बनते जा रहा है तापस अब स्पेनिश खाना फेमस होते जा रहा है राइट टाकोज बढ़ते तो ये हर कोई एक ट्रेंड चल रहा है इनमें से कौन सा ट्रेंड है जो ज़्यादा आप देख के बता सकते हो कि यार ये तो कैच ऑन लग रहा है और ये ज़्यादा बेटर चलेगा कैसे ये प्रडिक करते हो कैसे देख पाते हो देखिए इसमें तो थोड़ा सा इंस्टिंग थोड़ी स्किल आ जाती है पर मैं ये कहूँगा कि जितने भी आपने नाम लिए कैटेगरी के, के ना मुझे तो लगता है सब चलेंगे कम ज़्यादा कम चलेंगे और सब में लीडर्स होंगे चाहे वो वियटनामीज़ हो चाहे थाई है चाहे दाल बाटी है चाहे डिफरेंट है ऐसा नहीं है क्योंकि फूड इस यूनिवर्सली और हर फूड के कुछ ना कुछ आने वाले मिल जाते हैं राइट अब ट्रेंड की बात यह है कि थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई यही मान लीजिए वियतनामीज़ फूड है लेट्स से टेक इट कि आप कुछ और कंट्रीज में देख सकते हैं नॉन वियतनामीज़ कंट्रीज़ में कि कितना चला है कितना चला है और कंट्रीज़ में थोड़ा कितनी बड़ी मार्केट वियतनामीज़ जो बड़ी चेन है हुँ. आप गूगल करके देखिए वियतनाम की कौन सी बड़ी चेन है थाई फूड की वो इंडिया के बाहर किस किस कंट्री में वो कितनी बड़ी हैं थोड़ा रिसर्च कर लीजिए थोड़ा सा लेकिन कई चीज़ें विदाउट डेटा भी इंटरप्रेट तो करनी पड़ती हैं कि भाई ये चीज़ कितनी चलेगी वो एक इंटरप्रनर का एक रोल आ जाता है वो इंटरप्रेट करने का फिर थोड़ा सा फिर मैं फिर से वही कहूँगा कि थोड़ा सा आप सर्वे कर सकते हैं अपने दोस्तों के दोस्त चीज़ें पच्चीस पचास सौ लोग थोड़ी सी कई बार एक इंस्टिक्ट मिल जाती है फिर आप ये भी देख सकते हैं कि चाहे वो वियतनामी खाना है थाई खाना है पिछले दो तीन साल में उनकी ग्रोथ क्या रही है चाहे वो बहुत छोटे बेस से बने पर लेकिन क्या रही है पास में ग्रोथ अगर वो ग्रोथ तीस चालीस परसेंट की है तो आपको आंसर मिल गया अगर वो ग्रोथ दस पंद्रह परसेंट की है तब भी मिल गया फिर आप फ्लेवर प्रोफाइल देख सकते हैं देखिए कुछ चीज़ें इंडियन फ़्लेवर प्रोफाइल पर चलती हैं ओके क्या होता है फ्लेवर प्रोफाइल फ्लेवर प्रोफाइल जैसे कि हम लोगों को थोड़ा सा जैसा अभी मैं वियटनाम ही किया हुआ था छुट्टी में तो जैसे कि जो भी वहाँ खाना था पर इतना स्पाइसी नहीं था इतना तीखा नहीं था मतलब हमारे जो भी दोस्त गए थे सबको लग रहा था कि थोड़े मसाले और होते तो थो अच्छा थोड़े ब्लेंड मसाले, थोड़ा सा ब्लैंड है अच्छा लगता तो फ्लेवर प्रोफाइल थोड़ी सी ब्लैंड की तरफ चली गई राइट लोगों को अब इंडिया में थोड़ा चटपट चाहिए इफ आई कैन से तो वो कौन सी फ्लेवर प्रोफाइल है जो मैच कर जाएगी जो मैच करेगी ज़्यादा राइट बट सुशी तो ब्लैंड है वो कैसे सुशी में आप वसाबी डाल वसावी डालते दाल हो, हो। सोया सॉस डालती है ब्लेंड सुशी तो अब खा नहीं रहे आप, आप वसाबी सोया सॉस तो फ्लेवर प्रोफाइल भी कौन सी मैच कर जाएगी अब जैसे कि बिरयानी है अब हम इंडिया के बाहर लेके जाएंगे इस साल के बाद से तो बिरयानी भाई के लोगों तो हम ये देखते हैं कि किस कंट्री में राइस ईटिंग ज़्यादा है अब जहाँ राइस ज़्यादा खाते हैं वहाँ देर सा गुड चांस कि बिरयानी भी खा लेंगे जहाँ मीट ज़्यादा खाते हैं शायद ये भी तो वो थोड़े से आपको सब्सटीट्यूट या प्रॉक्सीज तो ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन क्योंकि आप डोमिनोज का बहुत नाम लेते हो <laughs> तो मैंने काफी स्टडी करा हुआ हो इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि <laughs> डोमिनोज ने ऐसा क्या किया जुबलियन फूड ने इंडिया में जो उनकी पेरेंट कंपनी है डोमिनोज की वो इंडिया में जो नॉन पिज्ज़ा ईटिंग कंट्री थी जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं था पिज्ज़ा क्या है जहाँ पे लोग आने के बाद भी थोड़ा स्नैक जैसे बच्चों के लिए देख लेते थे उस कंट्री में पाँच हज़ार करोड़ का बिजनेस बना दिया साढ़े पाँच हजार साढ़े पाँच हज़ार में एक तो क्या है उन्होंने बहुत पेशेंस से बनाया सबसे बड़ी बात है दूसरा क्या है उन्होंने जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी कभी उसे अफेक्ट नहीं होने दिया फिर क्या उन्होंने बहुत रेंज पे किया उनका पचास रुपए का भी पिज्जा है और पाँच सौ का तो उन्होंने वो इंडिया में सबके लिए बनाया तो उन्हें जो आदमी पचास रुपये का पिज्ज़ा खाना चाहता है उसके लिए भी कुछ बनाया तो वो रेंज उन्होंने बहुत बड़ी करी फिर उन्होंने उसके साथ जो एकमेंट्स हैं चीज़ें हैं अपनी जो सप्लाई चेन है मुझे पता है क्योंकि आई आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री इतनी रोबस्ट बनाई जो ट्रेनिंग प्रोसेस हैं आप देखिए एक आउटलेट में करीब उनके बीस लोग तो होते होंगे तो अट्ठारह सौ आउटलेट में छत्तीस हज़ार लोग हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड लोग चालीस हज़ार ही होंगे चालीस हज़ार लोगों को और इस इंडस्ट्री में एट्रीशन भी है लोग बदलते जाते हैं तो कंटिन्यूसली उनको ट्रेन करते रहना नए लोगों को हायर करना ट्रेन करना उस क्वालिटी को अभी नीचे नहीं जाने देना अपने ब्रांड को बना के रखना तो ये अपने आप में आप मेरी बात सुनोगे तो बहुत बड़ा काम है बड़ा काम और साथ में क्या है कि उन्होंने इंडनाइज भी किया मेन्यू को जो मान लो अगर जहाँ पे चिकन टिक्का पिज्जा चाहिए पनीर वाला चाहिए इंडनाइस भी किया रेंज भी बहुत बड़ी रखी कि पचास रुपये से पाँच सौ का तो एक आई आई कैन से अमीर आदमी भी खा रहा है और शायद इतना अमीर नहीं है वो भी खा रहा है सबके लिए एस्परेशनल बनाया इतनी बड़ी रेंज ऑफ ऑफ डेमोग्राफिक के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है ओके सो आप यू फील आई ऑपरेशन बहुत स्ट्रांग थे बहुत स्ट्रांग थे ब्रांड बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी रेंज कस्टमर से कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत रूबर्स आई ऑल्सो फील डोमिनोज का वन ऑफ द पिविटल मोमेंट था जब उन्होंने थर्टी मिनट डिलीवरी स्टार्ट हाँ, करी माइंड शेयर क्रिएट कर लिया हाँ उन्होंने ब्रांडिंग जीनियस था वो हुँ, हुँ। कि वो बेस्ट पिज्जा देते हैं उस पर उन्होंने बात नहीं करी वो फ्रेश पिज्जा देते हैं उस पर बात नहीं करी डोमिनोज इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इकलौती का पिज्जा चेन कंपनी थी इंडिया में जो फ्रेश डो बनाती थी डेली right. बाकी लोग तो डो बना के रखते थे राइट उस पर भी उन्होंने बात नहीं करी वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स यूज करते हैं उस पे बात नहीं करी उनके सबसे चीजी पिज्जा होते हैं उन पर बात नहीं करी उन्होंने बात करी कि ओके पिज्जा तो सब बेच रहे मैं तीस मिनट में तुमको ला के दे दूंगा, इस पे बात हूं आपको याद है परेश रावल का एड आता था वो नाश्ता था कि मैंने ऑर्डर कर दिया अब तीस मिनट के ऊपर हो गए तो मुझे फ्री मिल जाएगा हाँ वो नाश्ता था कि फ्री मिल जाएगा पच्चीस मिनट हो गए नहीं आया वो आ जाता था उससे पहले आ जाता था एक्जैक्टली उसको तो कस्टमर को तो सर एक ही चीज़ राज बोलनी होती है जो उसके दिमाग में घुस जाए वो उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली वो एक चीज़ उन्होंने पकड़ ली और पिज्ज़ा क्या है एक लकीली उनके लिए एक डिलीवरी कैटेगरी भी है जैसे बिरयानी से डिलीवरी कैटेगरी आप डोसा चाहो भी तो इतना डिलीवर नहीं कर सकते नहीं। क्योंकि वो मैसी हो जाएगा रोटी दाल सब्ज़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं थोड़ी रोटी भी छुही हो जाती है लेकिन उनके केस में बहुत बड़ा चैलेंज ये कि अगर वो तीस या चालीस मिनट के बाद डिलीवर करेंगे तो वो पिज्ज़ा भी छुई हो जाएगा डू यू थिंक कि डोमिनोस का पिज्ज़ा बिजनेस इतना बड़ा बनने का वन ऑफ़ द रीज़ंस ये भी है कि ईज़ ऑफ ईटिंग बहुत हाई है yeah. कि वो yeah. डिलीवरी बहुत ईजीली हो जाती है एक डब्बे में उसको खो लो और हथ के हाथ उठा के खा लो और पाँच लोग खा सकते हैं उसमें ना ज़्यादा कुछ गंदा हो रहा है कुछ फैल रहा है, है? ना कोई टेक्स्चर अप एंड डाउन का कोई प्रॉब्लम होगा ना उसमें आपको कुछ मिक्स करना है रेडी टू ईट है तो ये ईज़ ऑफ ईटिंग में बहुत हेल्प करता है हंड्रेड परसेंट तो इसे कंप्लीट मील ऑल्सो देखिए पिज्जा का जो बेस है चीज है काप्स मिल गए टॉपिंग से प्रोटीन मिल गया तो कंप्लीट मील है मज़ा भी आ रहा है उस पर थोड़े से औरगेनो चिली फ्लेक डाल दिया सेलिब्रेटरी मील है सब ने एक स्लाइस उठा ली तो इट हेल्प्स एंड वी आर सेइंग कि बिरयानी उससे भी बेटर डिलीवरी कैटेगरी है इट्स अ कंप्लीट मील उसमें ग्लूटन भी नहीं है उसमें फ्लेवर्स भी हैं और आपने डिलीवरी फ्रेंडली है पिज्ज़ा तो फिर भी आपने मंगा लिया अगले दिन सुबह नहीं खा सकते बट बिरयानी इतना डिलीवर फ्रेंडली कैसे हुआ क्योंकि सालान मिक्स करना होगा जहाँ पे मिक्स मैचिंग आता है वहाँ पर थोड़ा सा गिरने का चांसेस होते हैं ना नहीं ऐसा नहीं है बिरयानी भी क्या है आप चाहो तो बिना सलाान रायता डाले भी खा सकते हो पहली बात और डालना भी है तो ऐसे तो आपको चिली फ्लेक और और बेसिकली और उसके ऊपर भी डालना पड़ेगा आपको पर वो ड्राई है ना लिक्विड आपने बेसिल में उलट दिया तो ऐसी कोई उसमें इट्स अ वन पॉट मील तो ऐसा आई आई वुड से जैसे पिज्जा में तो क्या है आपने मंगा लिया और एक घंटे बाद आपने नहीं खाया तो चुह हो जाएगा अब फ्रिज में रख दिया तो सुबह खा नहीं सकते नहीं बट बहुत लोग ठंडा पिज्जा <laughs> आप, आपकी एज में खा सकते हैं मेरी एज तक आते डिलीवरी फ्रेंडली डिश लाइक बर्गर तो क्या है फिर भी सॉगी हो जाता है ब्रेड ना थोड़ी सा मिल के डोसा बहुत मुश्किल है आसान नहीं है तो बट बिरयानी आर बहुत सेलिब्रेटरी बर्गर में प्रॉब्लम मुझे

तो डू यू थिंक कि जो hmm. बिजनेस अभी बना रहे हैं hmm. Hmm. उनको अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे या जब भी बनाया प्रोडक्ट बना रहे हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मैं इसको डिलीवरी फ्रेंडली बनाऊँ हाँ हाँ क्योंकि अगर अगर, अगर ज़्यादा झंझट रखूंगा मिलाने करने की तो प्रॉब्ली वो डिलीवरी फ्रेंडली नहीं बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है और काफ़ी मार्केट अब डिलीवरी पर शिफ्ट हो रही है जैसे मैंने कहा कि मैं सिंगापुर रहता था हम दिन की ऐसे ह्यूमन बींग तीन मील खाते हैं मैं तो महीने की नब्बे सौ मील खाते हैं तो सिंगापुर में तो लोग नब्बे सौ में से समझो अस्सी नब्बे भारी खाते हैं या डिलीवर कराते हैं इंडिया में जो सारे 1.4 बिलियन का नहीं कह रहा मैं जो 15-20 मिलियन लोग जोमेटो स्विगी के टॉप कस्टमर्स हैं वो महीने की चार पाँच मील्स मंगाते हैं तो ये धीरे धीरे ट्रेंड चार पाँच मील से दस मील बीस मील तीस मील महीने का जैसे जैसे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ेगी मेट्स एक्सपेंसिव होगी तो डिलीवरी कैटेगरी होना बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ है और डोमिनोज की सक्सेस का भी इंडिया में जो वन ऑफ द रीजन है कि उनका फिफ्टी बिजनेस डिलीवरी से आ जाता है तो डिलीवरी बहुत स्ट्रॉग है

देखिए जुबिलेंट क्या है अगर मैं हमली बोलूं उनको डोमिनोज एक प्ले मिली जो डोमिनोज पचास साल पुराना ब्रांड है कि ऐसे सामान आएगा इंग्रेडिएंट्स ऐसे बनेगा ऐसे ब्रांडिंग होगी और एक ब्रांड है तो उन्हें उसे मैं बहुत हम्बल वे में बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जुबिलेंट की कि उन्हें पता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है पर उनके डी में शायद ये नहीं है कि एक नए प्रोडक्ट को जिसकी कोई प्ले नहीं है उसको कैसे बनाना है उसे कैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना है वो मुझे लगता है एक फाउंडर का रोल है तो हाँ तो यू फील कि जुबल्ट वो मास्टर्स हैं ऑफ़ एक्सपैंडिंग प्रोसेस एंड बिल्डिंग सिस्टम्स हाँ बट वो प्रोडक्ट के मास्टर प्रोडक्ट की प्ले बुक उनके पास जब तक नहीं आएगी अब जैसे उन्होंने पॉपाइस का भी लिया है इंडिया में तो उन्हें पॉपाइस की पूरी प्ले बुक मिल गई है कि ऐसे बनेगा ऐसे होगा तो उन्हें पता है कि बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करना है आउटलेट कहाँ लेनी है सप्लाई चेन कैसे करनी है पर वो जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो शायद उनका डी नहीं है वो एक फाउंडर्स का ही हो सकता है गॉट इट अब लगता है फ्रेंचाइजी बिजनेस चलता है इंडिया में हाँ हाँ ऐसा नहीं है कई लोग अच्छा चला रहे हैं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट रेस्टोरेंट्स जो फ्रेंचाइजी के होते हैं वो फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं नहीं देखिए डेटा बहुत है वर्ल्ड में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि दस लाख लोग आई देते हैं दस हज़ार का होता है राइट मैंने भी आई से करा हुआ है राइट तो बेसिकली एक दो परसेंट का ही होता है आई एम्स में इतने का ही होता है जितने लोग पॉडकास्टर बनते हैं बहुत कम लोग राजमानी के लेवल पर पहुंचते हैं या जितने लोग हीरो बनने आते हैं बॉम्बे उसमें से तो वो डेटा तो हमेशा है कि कम लोगों का होता है सो वो हमेशा ही रहेगा कोई भी जो अच्छी चीज़ है उसमें कंपटीशन है उसे कंसिस्टेंटली करते रहना वो तो देखिए एक जैसा अमिताभ बच्चन ही है कि वो पचास चालीस साल से हीरो हैं और उनके नाम पे लोग जा रहे हैं जाते लोग तो पाँच दस साल पंद्रह साल उसके बाद करियर खत्म हो तो वो तो किसी भी फील्ड में देखिए है आपको अगर लंबा मैंने कहा मोटरोला भी बहुत बड़ी कंपनी थी नोकिया भी वो भी बंद हो गई वो तो सब जगह है पर आपको कंसिस्टेंटली अच्छा करते रहना पड़ेगा पर ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हैं फ्रॉम बी कने वाला टू हल्दीराम टू मैकडोनल्ड टू डोमिनोज जो पचास पचास पचा साल से आपके शहर में जो छोटे ठेले वाले हैं चीज़ें तो दस साल से आपने एग्जाम्पल लिया ऐसे भी हजारों लाखों तो दोनों साइड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं बट क्या फ्रेंचाइजी इज़ अ वाइज थिंग टू डू टूडे कि जिसकी चलती चलाई कहानी है प्रॉब्लली दिल्ली में बैंगलोर में वो मैं टीयर टू टीयर थ्री सिटी में खोल दे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक है अगर आपको सपोर्ट मिल रहा <laughs> है क्योंकि कई बार किसी चीज़ को नए से करना एक एक सिस्टम प्रोसेस बिठाना कस्ट रेसिपीज बनाना ट्रेनिंग करना और किसी ने वो प्ले बनाई हुई है जब जुबिलेंट ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया साढ़े पाँच हज़ार करोड़ का इंडिया के बाहर से फ्रेंचाइज ला के हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है या वेस्ट लाइफ ने मैकडोनल्ड का बिजनेस ढाई करोड़ की टॉप लाइन है साढ़े बारह हज़ार करोड़ की, कर हाँ, स्टार टाटा ने स्टार बक्स के साथ तो आप भी अगर आप इंदौर लखनऊ में हैं तो आप दिल्ली बॉम्बे का बड़ा ब्रांड ला सेम क्यों नहीं कर सकते तो प्रूवन है ओके तो हाँ। कौन सी ऐसी ब्रांड है जो आपको लगता है अभी जिनमें स्कोप है नहीं बहुत ब्रांड तो मैं किसी एक दो का नाम ली जैसे मैं फिर से कहता हूँ अगर स्वाति स्नैक्स दे मैं भी ले लूँ शायद स्वाति स्नैक्स मुझे इतना पसंद है मुझे जैसे ऐसा लिया जाए तो रामेश्वर कैफ़े है मान लो बहुत अच्छा है बेंगलोर में ब्रांड भी है उनके सिस्टम तो जो भी एक ब्रांड दस पंद्रह साल से चल रहा है बीस साल से चल रहा है और उसने उसको सिस्टमाइज़ कर दिया है उनको उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग चीज़ें कस्टमर की नर्ष पता है फिर आप अपने शहर में देख लीजिए कि उस तरह की कस्टमर प्रोफाइल है कि नहीं अगर वैसी प्रोफाइल है चीजें हैं आप थोड़ी सर्वेस वगैरह से एनालिसिस से, तो क्यों नहीं चलेगा मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था जैसे मान लो हुँ. रामेश्वरम कैफे है राइट उनका जैसा साउथ इंडियन है वो प्रॉब्ली वैसा साउथ इंडियन इंदौर में नहीं चलता या वैसा साउथ इंडियन नॉर्थ में फ्लेवर प्रोफाइल देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में टेस्ट बदल जाते हैं हर दो सौ किलोमीटर exactly. हर सौ दो किलोमीटर पे एक तो नया वो, टेस्ट वो होता है फ्लेवर प्रोफाइल को समझना आपको अपनी उतनी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी ऐसे एंटरप्रेनर समझना पड़ेगा ओके okay. एंड पर बहुत लोग ना फ्रेंचाइजी जो लेते हैं उन लोगों का बिजनेस नहीं चलता बहुत पैसे डूब जाते हैं किसी हाइप की वजह से लेते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में उसका बहुत माहौल बनता है हाइप होती है एंड उसके चक्कर में छोटे छोटे लोग अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगा के एक फ्रेंचाइजी खोलने की कोशिश करते हैं किसी छोटे शहर में और बहुत पैसे डुबा देते हैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं आ, जैसे आई रिमेंबर आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स इट विल वेरी अनफेयर फॉर मी टू से बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल आई रिमेंबर कैवेंटर्स क्रिकेट का आया था केवेंटर्स मिल्क शेक था जो दिल्ली में बहुत चलता था एंड उसकी बॉटल बड़ी शो ऑफ वर्दी थी पूरे स्नैपचैट पे उस टाइम पे स्नैपचैट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था केवेंटर्स बचपन से से प्लेस लोगों ने खरीद लिया था ओके okay, हाँ था। तो जो बहुत कूल बना दिया था वो बॉटल लेके सेम केवेंटर्स की इंदौर में फ्रेंचाइजी खोली एंड फिर जब उन्होंने उधर फ्रेंचाइजी खोली स्टार्टिंग में एक महीना मैंने देखा कि कम से कम आधे किलोमीटर की लाइन लगी रहती थी उसके बाहर इतनी ज्यादा हाइप थी एंड आई थिंक दूसरे महीने वो कम हुई तीसरे महीने कम हुई चौथे महीने तक कोई चौथे पाँच छठे महीने मैक्स तक कोई था ही नहीं फिर तो, तो फिर इसका मतलब वो खाली इट इट अ फैड बट वो फैड तो तो उससे पहले अगर आप सुनते केवेंटस की हिस्ट्री तो दिल्ली में काफ़ी टाइम से चल रहा था देखिए ये तो और मिल्क शेक शेक तो हर जगह पीते है नहीं पर मिल्क शेक वो महंगा है देखिए मैं शायद अपनी एनालिसिस ही कर सकता हूँ मुझे एक हाँ, मैं तभी नहीं पता। analysis भी पूछ रहा हूं। हाँ तो जैसे क्या है कि क्या विंटर्स का लेकिन महंगा भी है शायद वो एक मिल्कशेक दो तीन सौ रुपये का है राइट तो एक शायद इंदौर में लोगों को लगा कि शुरू में तो चलो बाहर से आया है पी लेते हैं पर बाद में जब रेगुलर पीने की बारी आई तो उन्हें लगा ये महंगा है इतना तो हमारे घर में भी देखिए फूड में ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आसानी से घर में बन जाए आदमी कहता है ये तो मैं घर में अपनी मेट्स से बनवा लूँगा या मेरी वाइफ बना देगी या मैं खुद ही बना लूँगा मेरी मम्मी बना देगी तो वो प्राइस का को भी देखता है खासकर आई कैन हमली से इंदौर या छोट थोड़े से जो टीयर वन टाउन्स नहीं है राइट तो उन्हें ये भी लग सकता है ना कि भाई ये ढाई सौ तीन सौ का शेक है ये तो दूध ही तो है इसमें दो सौ पचास लीटर दो सौ पचास है तो, तो चलो पच्चीस रुपये का दूध है थोड़ा शेक डाला पचास रुपये का घर में बन जाएगा मैं ढाई सौ तीन सौ रुपये क्यों दूँ हर हफ़्ते राइट तो वो उस माइंडसेट से भी देखना पड़ता है कि उसको बनाने में कितनी डिफ़िकल्टी हो होगी जैसे बिरयानी में तो क्या है कि आपको चार तरह के मसाले चीज़ें एक घंटे की कुकिंग वो तो और साथ में कॉस्ट भी हमारी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है जो एक सेलिंग प्राइस तो आदमी उस एंगल से भी देख लेता है ये तो मिल्क शेक ही है ये फटाफट ये तो इतनी क्या इसमें कि और ऐसी कोई बैठने की जगह भी नहीं दे रहा चलिए अगर आप बरिश्ता जा रहे हैं स्टारबक्स तो एक ब्रांड है एस्पिरेशन है मैं जाके बैठ रहा हूँ तो आपको पूरे ब्रांड की प्रपोजिशन तो समझनी पड़ेगी अगर देखिए कस्टमर ही उसको लेना बंद कर दे उतना तो एक एंट्रप्रेनर को जजमेंट बनानी पड़ेगी कि फैड है ट्रेंड है कैसे चलेगा वो किसी भी बिज़नेस में ट्रू होगा मुझे लगता है डी यू ऑल्सो फील कि जो फास्ट कंज्यूमिंग चीज़ें होती है जो सेलिब्रेटरी नहीं होती फास्ट कंज्यूमिंग होती है मतलब जिनकी स्पीड ऑफ ईटिंग और स्पीड ऑफ कंजम्पशन फास्ट होता है वो ज़्यादा महंगी नहीं बिक सकती उनमें right. प्राइस कैप होता क्योंकि है क्योंकि उसमें आप जैसे मोमोज है लोगों को फटाफट खाना है हाँ. जो भी और ऐसा नहीं है कि सोच के खाएंगे उसी से खाना है हुँ. जो उस समय सामने दुकान दिख गई स्टेशन पे उस पे बस स्टैंड पे फटाफट खा के तो खा लेंगे तो क्योंकि उसमें फटाफट एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए जो उस समय मिला वो ले लिया तो वो चीज़ों में जो थोड़ा सा आदमी कम पैसे खर्च करेगा देना है क्योंकि मुझे ऐसा भी <laughs> लगता है कि लोग ना बहुत ज़्यादा प्राइस एसोसिएट करते हैं टाइम से हाँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी है तो एक गरम गरम कॉफ़ी आती है अब उसको बैठे हो टाइम लग रहा है उसको ठंडा होगा फिर धीरे धीरे पियोगे हो खत्म होगा तो टाइम लग रहा है तो उस पूरे एक्सपीरियंस के मे बी आप तीन सौ तो चार सौ रुपया दे दोगे पर जो है कि आपको दो मिनट में पीनी है आप खड़े हो कटिंग चाय और वो फूफू मार के दोस्तों के साथ अगर पी लिया आपने पाँच मिनट में तो शायद आप उसके पैसे इतने ज़्यादा नहीं दोगे तो जब भी आपका कंजम्पशन का टाइम बढ़ते जाता है प्रॉबली देन यू यूसिएट इन मज़ा मैंने उतनी देर लिया, लिया ना उतनी देर देर लिया बिल्कुल जैसे इसमें और भी चीज़ों का फर्क है जैसे आप देखिए आप स्टारबक्स में कॉफी के तीन चार सौ पाँच सौ रुपये भी देंगे पर यही आप जो ब्रांडेड चाय की है चाय होस है चाय पॉइंट है वो चाय के नहीं देंगे तीन चार सौ रुपये क्योंकि आपने बचपन से देखा है गली नुक्कड़ घर में चाय बनते आई इसके में चाय टाइम उतना ही लग रहा हूँ चाहे मैं चाय होस चाय पॉइंट में बैठ के अगर मैं चाय ब्रैंडेड में मैं आधा घंटा भी लगा लूँ फिर भी मैं चार सौ रुपये नहीं दूंगा जो मैं शायद स्टारबक्स की कॉफ़ी के दे दूँ या कॉफी के एक अच्छे आउटलेट पर ढाई सौ तीन सौ भी दे दूँ उतनी चाय की नहीं दूंगा क्योंकि चाय से मेरी फेमिलिटी बहुत है मुझे लगता है तो घर में भी बन जाएगी गली नुक्कड़ पे भी मिल जाएगी ढेल पे भी मिल जाएगी या फिर जैसे आपने कहा कि क्या मिल्क शेक है वो तो फटाफट पी गए तो मज़ा ख़त्म ही हो गया तीन सौ का पाँच मिनट दो मिनट में पाँच तीन सौ उड़ गए बिरयानी <laughs> <laughs> तो मैं अगर चार सौ की मंगाया तो मैं मेरी वाइफ हम दोनों ने बच्चे ने मिल आधे घंटे खाई पूरी पेट भर गया तो उसकी वो वैल्यू दे अपने माइंड में तो ये सब चीज़ें तो एक एंटरप्रेनर की अगर वो नहीं है बिज़नेस सेंस तो मुश्किल हो जाएगी कहीं कही ना कहीं अगर आप अगर आप कस्टमर को नहीं समझ पा रहे अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे वो आपकी एक इंट्यूशन नहीं है बिज़नेस सेंस तो वो कहीं ना कहीं आप वैसे भी फंस जाएंगे पर आई वुड स्टिल से फ्रेंचाइजी अच्छी कंपनी की जिसको अगर आपकी बिज़नेस है तो शुरू में वो थोड़ा आपको कुछ मिल जाता है सिस्टम्स प्रोसेस कैसे इसकी टेक काम करती है पीओएस काम करता है कैसे बिलिंग होती है एक आपको पर प्रोडक्ट अगर काम ही नहीं करेगा कस्टमर लेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा आप लेट हो आप मतलब लेट लग टाइम लगाते हो ज़्यादा टाइम लगाते हो फोर्टी फिफ्टी मिनट्स लगाते हो उससे फर्क, फर्क पड़ता है हाँ हाँ फर्क मतलब सही में गलत में अच्छे नहीं में सही में, में मतलब क्या आपको लगता है कि कस्टमर को अब फास्ट चाहिए या जल्दी चाहिए उसके चक्कर में यू मस्ट बी लूजिंग ऑर्डर थोड़ा हो जाता है थोड़ा हो जाता है पर लेकिन कस्टमर को ये बात पता है कि जैसे मैंने कहा कि खाना इस

इंडिया में कल्चर ही नहीं मंथली बाहर खाने का ऐसे बाहर खाने का है नहीं तो वो टेंशन रेट आई थिंक तो हमने इतना कैलकुलेट भी नहीं किया हम ईयरली करते हैं ओके okay. ईयरली बट दैट्स गुड मतलब हाँ, हाँ। हर साल आदमी आपका दो बार तो खाई लेता है खाई लेता है खाई लेता है आ, और मतलब सौ लोग अगर ऑर्डर कर रहे हैं लोग हैं जिन्होंने

मैं फर्स्ट चीज डालता हूँ 4.0 रेटिंग नहीं हमारी भी फर्स्ट ऊपर सारी नहीं नहीं सेकंड चीज डालता हूँ अंडर थर्टी में वो जो फास्टेस्ट डिलीवरी और टॉप थ्री फूड मतलब कस्टमर प्रोफाइल अलग है मेरा पता ये चीज मैं कहना था कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप आज आग... यू आर वेरी यंग ट्वेंटी सेवन पर जैसे जैसे तो फूड इज़ वेल बींग हाइजीन तो आप जिस क्वालिटी का फूड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं अब वो थर्टी के मिनट की बजाय फोर्टी फाइव मिनट्स भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा फ़र्क नहीं, नहीं पड़ेगा उतनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर आपको एक फ्रेश खाना चाहिए क्योंकि देखिए जो थर्टी मिनट में दे रहा है वो दस मिनट में बना रहा है बीस मिनट तो डिलीवरी के लिए चाहिए दस मिनट में बिरयानी फ्रेश नहीं बन सकती आप फ्रेश की जैसे बात कर रहे हो तो क्या तरीका होता है इसको रिस्टोर करते हो एवरी डे कैसे होता है मतलब चावल एक साथ बहुत खरीद के रखोगे फिर उसको बनाते हो जितनी वेस्ट हो जाएगी क्या वो अगले दिन फिर रिस्टोर होकर वापस जाते हैं क्या कैसे हम, हम लोग कुछ रिस्टोर नहीं करते हमारा सब फ्रेश होता है सुबह आउटलेट्स पे राइस बॉईल होना शुरू होता है वो बहुत बड़ा मतलब इट विल टेक वन आवर लॉन्ग पॉडकास्ट वो सिस्टम्स प्रोसेस वेरी सीनियर पीपल वर्क जो हमने बड़ी बड़ी कंपनी से शॉर्ट इन मिनट्स उसमें यही है कि देखिए कोई भी चीज़ हम एक तो पुरानी यूज़ नहीं करते या दोबारा कोई उस दिन आउटलेट में खुल जाए तो अगले दिन यूज़ नहीं करते हमारा तो काफ़ी चीज़ें देखिए सेंट्रल किचन से आती है जैसे मीट कट के आएगा मेरीनेट होके आएगा लेकिन क्या है कि सब चीज़ें आएंगी लेकिन आउटलेट पे उस हांडी में जब ऑर्डर आएगा तभी फ्रेश जाएँगी थ होके फ्रेश होके जाएंगी तो लेकिन हम हांडी में 25 मिनट जो लगते हैं वो हमारे केस में लगते हैं क्योंकि वो कुक उसी 20-25 मिनट में उसी हांडी में तभी हो रहा है जब वो गए स्टैंडर्डाइज है सब कुछ है लेकिन वो उसी समय फ्रेश बन रहा है बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जैसे हम जो राइस यूज़ करते हैं वो टू इयर्स नेचुरली एज प्रीमियम बासमती है ज़्यादातर जो राइस होता है बासमती भी उसमें एक सेला होता है एक स्टीम्ड होता है एक रॉ होता है तो हम दावत का जो सबसे महंगा वाला है जो अगर रिटेल प्राइस ढाई सौ किलो है वो क्योंकि उसमें खाना खा के आपको भारीपन महसूस नहीं होगा बहुत हल्का रहेगा पेट तो जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी और साथ में हम कोई चीज़ बासी यूज़ नहीं करते जो सुबह निकल जाती है उसी दिन यूज़ होती है अगले दिन कभी यूज नहीं होते तो फिर रात को जो बच जाता है फूड वेस्ट हम हम सब थ्रो अवे कर देते हैं पर हमारा क्योंकि इतने हमारे प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह है तो हमें पता है उस आउटलेट में मान लो वेनसडे को कितना सामान बिकता है लंच में डिनर में तो उसी हिसाब से सब चीज़ें उसका जो मीसा वगैरह प्रिपेयर उतना ही करते हैं तो वेस्टेज कैसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि डेटा से डेटा से प्रडिक्शन हमारी बहुत स्ट्रॉग है इतने साल से हम दस साल से बिजनेस में हैं तो भी कितना वेस्टेज होता होगा अभी आज दैट्स दैट्स गुड लो और वो क्या कभी आपने सोचा है कि उसका क्या कर सकते हैं कुछ होता है नहीं देखिए उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है उसमें जाके क्योंकि आप करने लगेंगे तो आप शायद गलत डायरेक्शन में चले जाए तो वी चूज हम कुछ लोगों से कुछ एन से टाई अप बीच बीच में करते रहते हैं जहाँ वेयर वी कैन गिव एट नाइट ऑन द वीकेंड्स वगैरह वो बीच बीच में हम करते भी रहते हैं बट वी प्रेफर नॉट टू यूज़ इट ओके मतलब वो नेक्स्ट डे नहीं यूज होगा सवाल ही पैदा नहीं होता देखिए मैंने वही कहा क्वालिटी पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते इस और हर दिन और, और देखिए हमारे लिए जो हंड्रेड आउटलेट शुरुआत है जब मैं मैकडोनल्स की बात करता हूँ चालीस हजार आउटलेट इन वन फिफ्टी कंट्रीज तो हम भी जो इंडिया की भारत की धरोहर है मतलब बिरयानी है कबाब्स हैं इनको इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे आज जो सौ आउटलेट हैं हज़ार आउटलेट दो हजार आउटलेट मतलब ये जर्नी तो अभी शुरू हुई तो वी कैन नॉट इन आज एक कंट्री में है कल को हम दस कंट्री में आएंगे वी वॉन्ट टू टेक दिस इंडिया हेरिटेज डिश टूट दर्ल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हम करीन टेलमी व प्राइस ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ बिरयानी इन बिरयानी बाई तो जैसे कि आधा किलो की जो बिरयानी हांडी है करीब चार सौ रुपए की है एक्चुअली पहले बेटर क्वेश्चन इज देन कम टू प्राइजिंग फर्स्ट इज लोग पर प्लेट बेचते हैं <laughs> आ, आपने वेट के हिसाब से क्यों बेचा कि आधा किलो ढाई किलो दो किलो एक किलो क्यों ऐसे क्यों बेचते हो क्योंकि देखिए एक एवरेज आदमी एवरेज आदमी औरत पर्सन जनरली क्या है एक बार में चार सौ सौ ग्राम ही खाता है उसकी मील की जो एक क्वांटिटी होती है और दूसरा हम लोग कहते हैं कि प्लेट में किसी को पता नहीं कितना खाना आएगा तो उसका या तो ज़्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा वेस्ट हो जाएगा तो हमने इसीलिए भाई किलो आधा किलो ढाई सौ कि उसको आइडिया होगी कि कितना खाना आने वाला है अगर आप हमारी हांडी में से अगर बिरयानी उल्टी कर दें एक तराजू पर एक विंग मशीन पर तो जनरली साढ़े ग्राम निकलेगी तो उसे पता है उसमें चार पीस चिकन होंगे राइस होगा हर चीज़ होगी पर उसे प या पनीर होगा कटहल होगी तो उसे पता है कि इतनी क्वांटिटी ही मुझे मिलेगी तो ना हम चीटिंग कर सकते हैं उसको भी प्रिडिक्ट कर सकता है वो बेटर कि मैं कितना खाने वाला हूँ प्लेट में तो हर रेस्टोरेंट की प्लेट अलग होगी तो बेटर तो कि ग्राम में खाना खा रहा हूँ और उसको पता है कि मुझे एक्चुअली इतना ही खाना मिल रहा है हमारी तो हर चीज डिफाइंड है हाँ तो ढाई सौ ग्राम के पाँच सौ ग्राम कितने, कितने कितने कौन से टॉप थ्री वो हैं सबसे पहले तो वो आधा किलो वाली ही बेस्ट पिकती है क्योंकि उसमें करीब दो लोग खा लेते हैं ओके okay. तो वो बेस्ट है लोगों के लिए डेढ़ दो लोग खा लेते हैं सोच हाँ। so आधा किलो वाली और कौन कौन से दो ऑप्शन है बाकी सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कौन सा है बाकी फिर एक किलो वाला है फिर सिंगल पोर्शन है सिंगल पोषन सिंगल पोर्शन में थ्री फिफ्टी ग्राम्स है और फिर हमारे कबाब्स बहुत पॉपुलर हैं है तो वो भी बहुत चलते हैं वेरी प्राउड ऑफ कबाब्स से कबाब्स क्यों स्टार्ट किया कब स्टार्ट किया क्योंकि देखिए लोगों को क्या है जब बिरयानी मंगा रहे हैं साथ में थोड़ा सा कबाब भी चाहिए ड्राई थोड़ा सा एक एक डिश हमारे पास मटन चिकन दाल और पनीर की भी है करी भी चाहिए पीपल वॉन्ट टू ऑर्डर अ होल मील इट्स अ सेलिब्रेटरी मील फिर भी चाहिए तो ऑल्डो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अजनस इज़ बिरयानी पर परसेंट कबाब है टेन परसेंट करीस भी है फाइव परसेंट फिर और okay. डिजर्ट्स भी हैं तो पीपल वांट अ कंप्लीट मील आल्सो ना जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं या घर में बैठे हैं या ऑफिस में मंगा रहे हैं गॉट इट ओके नाउ कम टू प्राइजिंग कैसे डिसाइड करी हाउ इम्पॉर्टेंट प्राइजिंग देखिए ये जैसे कि हम मानते हैं कि अगर आधा किलो की जो बिरयानी है

फिर एक स्टैंडर्ड फूड कॉस्ट इंडिया में एक सर्टेन नंबर है परसेंटेज चाहे वो डोमिनोज का, का हो या बर्गर किंग का हो या मोस्ट रेस्टोरेंट्स का हो तो फ़ूड कॉस्ट का लेबर का परसेंटेज कितना होना चाहिए रेंट का कितना होना चाहिए ये काफ़ी डिफाइंड होते हैं मोटे मोटे कि भाई कित कितने परसेंटेज होते हैं स्टोर का बिट्टा कित मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए तो वो फूड कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है जैसे हम लोग जिसमें कहा टू इयर्स नेचुरली एज्ड प्रीमियम बासमती यूज करते हैं दावत का गिव गिव मी ब्रेकअप ऑफ़ दिस अगर 400 तो, रुपए की बिरयानी होती है तो 400 तो, रुपए तो, में तो रॉ मटेरियल में जाते हैं कितने रॉ मटेरियल में टिपिकली 35 से 40 परसेंट जाते हैं रॉ मटीरियल पैकेजिंग ओके okay. okay, रॉ और पैकेजिंग लेबर में करीब एक सौ बीस से एक सौ पचास रुपए के आसपास रो मटेरियल और करीब डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आपका 10 से 12 okay. तो दस आप से बारह परसेंट लेबर में जाता है ओके जो लेबर आउटलेट में रखती है चालीस पैंतालीस रुपए उस लेबर में जाता है फ्यूल कॉस्ट में करीब ढाई तीन परसेंट जाता है गैस वगैरा में हाँ, फ्यूल, नहीं, नहीं, फ्यूल गैस अच्छा, गैस, गैस जो बनाने के लिए बनाने के लिए ओके तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो किचन में लग रही है वो भी करीब जो दिन भर जलती है रेफ्रिजरेशन चीजें वो भी करीब तीन परसेंट लगता है अच्छा दस पंद्रह लगता है अगर क्लाउड क्लाउड किचन है तो करीब पांच लगता है डाइनिंग है तो दस से पंद्रह लगता है

I think normal people they would charge I would say in today's time at least be 25%.

एक स्टेबल बिजनेस पे रेंट कितना आएगा फूड कॉस्ट कितनी आएगी लेबर कितनी आएगी एग्रीगेटर कमीशन कितनी या मेरी लेबर एंड में डिलीवरी कॉस्ट क्या बड़ा फैक्टर होता है हाँ तो डिलीवरी ऑफ कोर्स क्योंकि अगर आप कितने परसेंट होता है डिलीवरी कॉस्ट डिलीवरी कॉस्ट एग्रीगेटर कमीशन में आ जाएगी ना ओके okay. क्योंकि पच्चीस तो में मार्केटिंग एग्रीगेटर कमीशन नहीं मार्केटिंग उसके अलावा होगी मार्केटिंग कितनी होती है फिर और मार्केटिंग डिपेंड करता है देखो नया ब्रांड है तो दस परसेंट भी करेगा छोटा ब्रांड है मतलब एक बार ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो आप तीन चार परसेंट भी करोगे ओके okay. शुरू so में, में, में हो फिर हो बचता कितना है, है प्रॉफिट कितना होता होगा देखिए अगर आप आउटलेट चला रहे हैं तो मतलब दस से बीस परसेंट से बीस डिपेंडिंग ऑन कितना आप करें उतना तो बचना ही चाहिए अगर आप इतना और इसमें आपने कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कैपिटल कैपिटल भी नहीं नहीं तो अगर जैसे कि इसमें ये ये है तो एबिट क्योंकि देखिए अगर आप अगर आपने पांच लाख रुपये दस लाख रुपए लग के बिजनेस लगाया राइट इसमें भी डिपेंड करता है दस लाख रुपये लगा के बिजनेस लगाया जो कैपिटल कॉस्ट है सब इक्विपमेंट सिविल वर्क शुरू में लाइसेंस वगैरह लेके दस लाख का लगा अगर आप महीने में दस लाख का बिजनेस करते हैं ये उस पर बहुत डिपेंड करेगा दस लाख लगा के महीने में दस लाख करते हैं राइट right. तो और आप दस परसेंट कमाते हैं महीने का एक लाख hmm. तो वो पैसा आपका दस महीने में वापस आ गया hmm. लेकिन आप चाहे दस परसेंट एबिटा है सेल्स पे दस hmm. लाख पे महीने की लेकिन अगर आप पांच लाख कमाते हैं महीने का रेवेन्यू करते हैं और दस परसेंट एबिटा है पचास हजार तो पैसा वापस आने में बीस महीने लगेंगे hmm. और यही आप दस लाख लगा के बीस लाख महीने का बिजनेस करते हैं दस परसेंट एबिटा है दो लाख तो पांच महीने में आ जाएंगे तो ये सब चीजें एक बिजनेसमैन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी बट स्टिल ऑन एन एवरेज अराउंड आप बोल रहे हो कि एबिटा दस पंद्रह परसेंट बनता है उसके बाद फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देनी पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आप अगर आप, आप बड़े बिजनेस हो गए तो कॉर्पोरेट कॉस्ट भी उसके बाद होती है तो, तो आपकी ऐसे कॉर्पोरेट co चलो कॉर्पोरेट कॉस्ट तो ठीक है डिफरेंट नंबर बट एबिटा के बाद पर स्टोर लेवल पर अगर बात करें तो स्टोर लेवल पर कितना परसेंट क्या होता है कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल दो पाँच दस परसेंट लाइक हाउ मच डू है पैड हाँ, कितना होता है लाइक like, तो पैड तो उसके बाद देखिए एबिट्टा के बाद इंटरेस्ट हमारा कोई लोन नहीं है या यान तो एक इट्स नॉट अ कैश आइटम में वर्किंग कैपिटल रेस्टोरेंट बिजनेस में अच्छा कम होता है क्योंकि पीछे से सामान कई बार उधार आ जाता है पंद्रह बीस दिन सामने मिल आगे तो वर्किंग कैपिटल इस बिज़नेस में नहीं लगता है नेगेटिव कैश फ्लो है तो एबिटा के नीचे सिर्फ डेप्रिसिएशन टैक्स है और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट है तो वैसे देखिए अगर आप बिज़नेस को अच्छे से चला रहे हैं कंसिस्टेंट है तो अच्छा है लेकिन मैं इनक्रेज करूँगा कि थोड़ा डिलीवरी के अलावा धीरे धीरे डाइन इन भी जाना चाहिए कि आपके कस्टमर से ब्रांड कनेक्ट अच्छा हो एक और आपको वो थोड़ा जो भी डिलीवरी और बाकी खर्चे हैं बचा पाएँ ओके सो कमिंग बैक टू द प्राइजिंग ये hmm. ऐसे प्राइजिंग होती है और अब आपने 300 करोड़ के आसपास का बिजनेस बना दिया है राइट hmm. right? और अब आपको इसको तो ग्लोबल बनाना है राइट वील टॉक अबाउट ग्लोबल बिजनेस बट मुझे बताओ कि आपकी एक्सप्लेन मी और टीम 300 करोड़ का धंधा चलाने के लिए कौन कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके कौन से पाँच छः सात डिपार्टमेंट है जिससे बिजनेस चलता है uh, आप आपके को फाउंडर आप लोगों के रोल्स क्या हैं लाइक एक्सप्लेन मी दिस कि सब लोग मिलाए कैसे करते तो हैं तो मैं और मेरे को फाउंडर हैं कौशिक रॉय तो कौशिक रॉय हैज़ बीन बी इंडस्ट्री वेटरन तीस साल से विसी इंडस्ट्री में है ओके okay. तो उन्हें ऑपरेशंस की एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी की सिस्टम्स प्रोसेस की आई कम फ्रॉम मैंने एमबीए बी करा है तो मैंने आईटी बिजनेस प्राइवेट इक्विटी हैज फंड्स वगैरह करें तो काफ़ी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ग्रो कर रहा है तो मेरी एक्सपर्टीज स्ट्रेटजी की फाइनेंस की मार्केटिंग की ग्रोथ की है okay. तो हम अलग अलग एरियाज so देखते हैं स्ट्रेटजी फाइनेंस एंड मार्केटिंग ग्रोथ, ग्रोथ हाँ

तो वो के अंडर के अंडर, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट वो होंगे वो कौशिक के अंडर जाता है okay. कौशिक के अंडर एक सी ओ है फिर आपके अंडर कौन है मेरे अंदर जैसे फाइनेंस मार्केटिंग हेड हेड है

रिलेशनशिप में जाता है जोमेटो तो स्विगी से तो एग्रीगेटर रिलेशनशिप के लिए भी कोई हेड होगा एक हाँ जो मुझे रिपोर्ट करते हैं ओके तो एग्रीगेटर तो रिलेशनशिप तो, उनकी क्या पोजीशन होगी तो उनकी पोजीशन बेसिकली भी से कि दे आर चैनल मैनेजर्स चैनल चैनल हेड कहते हैं और ये इसमें चैनल हेड हैं तो ये तीन अब बेसिक बात लीगल हेड है।, है क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत है इसमें ओके एंड बी हाँ, तो बीडी बाकी जो कि हम जैसे नए आउटलेट सारे खोलते हैं तो वो बीडी 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 हेड हैं हैं तो 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 ये आपके पांच लोग हाँ, कौशिक कौशिक की टीम में कौन से ऐसे तीन चार होंगे जो उनके एक्चुअली हाँ, हाँ, भी देखते तो बराबर है ओके लेट्स लेट्स अवॉइड फॉर नाउ बाकी हर महीने और हेड हैं अच्छा ओके सर ऑर्डिट एंड क्वालिटी हेड हैं टेल मी योर टॉप फोर पीपल हु योर आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज पर लेट्स मार्केटिंग हेड कौन है आपने

इन हाउस थे कैसा हुआ तो ही हैज वर्कड इन मैनी कंपनीज हैज वर्कड इन मनी कंपनीज इन मुझे एक्जैक्ट क्योंकि अब चार पाँच साल हो गए हायर करे वो किस किस कंपनी पर काफ़ी वो एफ और भी एफ एंड बी कंपनीज में कंज्यूमर कंपनीज में काम कर चुके हैं वो कर चुके हैं तो बेसिकली पर ही इज बीन अ गुड लर्नर काफ़ी एक आई थिंक क्यूरोसिटी है चीज़ें हैं क्योंकि इस बिज़नेस में आप मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के बहुत अलग अलग चैनल्स हैं जैसे एक पुराना ट्रेडिशनल कि भाई एक तो आप जानती हैं आजकल नए आगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो उसके लिए जैसे कंपनी में वैसे इसमें भी मार्केटिंग में हमारे इन्फ्लुएंसर अलग पर्सन देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर हेड हैं और जो ए टी देखते हैं वो सचिन देखते हैं फिर एक डिजिटल मार्केटिंग है वो अलग देखते हैं वो भी तीन अलग अलग हैड्स हैं तो जो डिजिटल मार्केटिंग है सब फेसबुक गूगल वाली मार्केटिंग हो गई राइट और ये आ, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर ये चैनल मार्केटिंग है जो एग्रीगेटर्स वाली जोमेटो स्विगी वाली उसके लिए अलग है फिर जो ए टी है कि होर्डिंग्स हैं न्यूज़पेपर एड्स हैं या हम वेब सीरीज़ वगैरह बनाते हैं उसके अलग हैं तो ये सब तीन चार लोग अलग हैं तो सचिन को आपने कैसे चूज़ किया कि इतनी सारी चीज़ें हैं हर चीज़ तो उनको आती नहीं होगी किसी को भी नहीं आती ना आपको ना मुझे ना हम श्योर स्टीव uh, जॉब्स hmm, hmm. को नहीं आती होगी हर चीज राइट तो आपने सचिन को कैसे चूज किया द एबिलिटी टू लर्न एंड टू कीप ग्रोइंग आई थिंक एक अगर नेचुरल नेचुरलिटी है डेटा को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी है हार्ड वर्किंग है तो मोस्ट ऑफ लॉट ऑफ जॉब्स अगर बेसिक स्किल सेट है ढूंढा कैसे कहाँ से ढूंढाटी <laughs> गिव मी, गिव मी लोग देख, समझ लोग रहे, हैं। जो देख रहे हैं वो कैसे अपना एक मार्केटिंग हेड ढूंढे कैसे डिसाइड करें कि यही इंसान अच्छा है कि नहीं अच्छा है कौन सी कंपनी में देखते हैं कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं देखिए अब जैसे मैं देखूंगा अगर मैं देखता हूं तो आई वुड लुक एट कंपनीज या तो मैं अपने से बड़ी कंपनीज में देखता हूं कि डोमिनोज में बर्गर की मुझे सचिन के बताओ एक्जेक्टली exactly अच्छा, हाँ तो सचिन के केस में तो देखिए आई थिंक वो बड़ी कंपनी में नहीं था छोटी कंपनी में था मुझे कंज्यूमर कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा जिसमें वो था पर ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे मैं काफ़ी रिग्रेस इंटरव्यूस लेता हूँ तो और वो भी दो तीन बार हम लोग अलग अलग लेवल पर लेते हैं तो पहले एच आर हेड लेता है मेरा डिपार्टमेंट है उसके बाद मैं लेता हूँ तो उसमें भी फिर देन वी गो फॉर ऑफ अफकोर्स उनकी रिकमेंडेशंस क्या है पर आई थिंक सी माई एज इज नाउ अराउंड फिफ्टी तो बाई दिस टाइम आई थिंक आई हैव टेकन फ्यू हंड्रेड इंटरव्यूज तो कई वो इंस्टिंगटिवली भी कल्चरल फिट है कि नहीं समझ कि वो है कि नहीं साथ में उसको उसने पिछली कंपनीज में क्या करा है कोई इम्पेक्ट करा ही नहीं करा है क्या कैम्पेन्स रन करे थे उन कैंपेन्स में क्या रिजल्ट थे इसी एबल टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री के लिए पैशन है कि नहीं अब जैसे मैं हूँ आई एम ए कंज्यूमर प्रोडक्ट कम कंज्यूमर प्रोडक्ट पर्सन राइट तो मुझे अगर कोई बोले बी टू बी इंडस्ट्री में जाके काम करो जिसमें आपको बिजनेसिस को जाकर समझ, तो मुझे पैशन ही नहीं आता है मजे नहीं। मुझे मज़ा नहीं आता है तो मज़ा किस चीज़ में आता है या मेरे को फिर भी कोई बोले जैसे कि, कि शायद मेरा फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं है कपड़े में पहन लेता हूँ मतलब ठीक है अच्छे होने चाहिए स्टाइल ठीक है पर इतना भी नहीं है पैशन कि भाई यही कपड़े लेने इसी ब्रांड के लेने तो एक पैशन भी उस इंडस्ट्री में होना चाहिए ना जिसको आप हायर कर रहे हो राइट right. कि भाई अगर उससे पूछना कि भाई आप कहाँ खाना खाते हो कि कहाँ मजा आता था तो उसे खाने में रस आता ही नहीं आता इसी पैशनेट अबाउट फूड डेटा को कितना समझ रहा है लोगों को कितना समझ रहा है पास्ट में क्या कैंपेन्स मार्केटिंग के रन करें अपनी जो भी कंज्यूमर कंपनी थी उसमें क्या इम्पैक्ट था हाउ डस ही डस ही अंडरस्टैंड ही और शी अंडरस्टैंड कस्टमर्स कनेक्शंस मोटिवेशन जो मार्केटिंग में उनकी इंस्परेश कि हाउ विल दे बिहेव इन डिफरेंट तो वो चीज़ें आप अलग अलग क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा एक सबसे मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे पहले क्या पूछते हो आप सबसे पहले तो मैं पूछ बैकग्राउंड पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ से आए आप क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ पीपल वो हैव ग्रोन अप इन टी ए टू टाउन्स ओके मुझे वो लोग बड़े मुझे धरती से जुड़े हुए लगते हैं और जो हमारा बिज़नेस है थोड़ा सा धरती से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है सबसे पहले तो अगर अगर आई ट्राई टू गिव प्रेफरेंस जो टी ए टू टाउन में आए थोड़ी ज्वाइंट फैमिली से हैं लोगों को समझते हैं मार्केटिंग में खासकर तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड पर जाता हूँ फिर देन आई गो फॉर कि भाई एक ड्राइव कितनी है एम्बिशन कितनी है तो उस पर्सन ने अगर पहले दो तीन साल जॉब करा बिल्कुल भी एक एक साल में नहीं बदला वो इट शोस इन स्टेबिलिटी पर अगर उसने दो दो तीन 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 चार सौ साल किया है तो क्या इम्पैक्ट छोड़ा वहाँ पे उस कंपनी में उन जो डिसीजंस सही लिए गलत लिए उनको सिंथेसाइज कैसे किया उसने उसकी जजमेंट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है उसने बेस्ट क्या तीन चार डिसीजन उस कंपनी में लिए क्या कैम्पेन्स रन करे उनका क्या इम्पैक्ट था उनमें क्या उसने लर्निंग्स करी तो उसके जो अगर उनकी वो डिटेलिंग कितनी कर पा रहा है कितना बता पा रहा है उससे एक इंसान के बारे में काफी पता लग जाता है सो so, आप इतना डीट, कितना कितनी देर का इंटरव्यू लेते हो जब किसी को हायर करना होता है एक से दो घंटा अगर उस लेवल का सीनियर पर्सन कर रहा हूँ तो मैं एक से डेढ़ घंटा तो लेता हूँ उसके बाद क्या प्रोसेस होती है बस अगर जम गया जम गया तो फिर रिकमेंडेशन ओके फिर फिर जो भी उसने रिकमेंडेशन दी है अपने पास्ट एम्प्लॉयर्स की फिर देन आई bet... वो तो बहुत डिफिकल्ट तो हाँ, हाँ, होता है उसमें गेज करना लोग अच्छे ही बोलते हैं हाँ, अच्छे बोलते हैं पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है अगर आप सही सवाल पूछो उससे भी हुँ. तो कुछ प्लस माइनस पर जनरली येस यूर राइट कि वो एस लॉन्ग एस वो नेगेटिव नहीं है आपको अपनी जजमेंट भी रिलाई करना पड़ेगा सी हायरिंग इज नॉट अ एजी प्रोसेस कि वो कल्चरल फिट भी आ जाए उस पर्सन को इट इज़ लाइक मैरिज की वो सही आदमी अटक जाए तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि सारी हायरिंग सही होती हैं मतलब अगर फिफ्टी सिक्सटी परसेंट भी सही निकल जाएं जो तीन चार साल आपके साथ पाँच साल हैं hmm. और यू दे आर एबल टू ग्रो विद यू दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट तो आई थिंक फिफ्टी सिक्सटी परसेंट रेशियो भी इन हायरिंग्स में इस लेवल पर आई थिंक आई वुड से इज़ वेरी गुड यू नो वेन आई स्टार्ट हायरिंग फॉर माई स्टार्टअप एंड मैं तीन चार बड़ी प्रोफाइल्स को हायर करने के लिए सोच रहा था टू गेट सर्टन पीपल सो so वन मैंने जब मुझे बहुत पसंद आ गए जो कैंडिडेट्स मैंने बहुत पचास सौ सौ इंटरव्यू एक एक प्रोफाइल के लिए आई थिंक सत्तर सत्तर इंटरव्यूज़ लिए होंगे और बहुत बहुत टाइम लगाया उसमें एंड जो दो तीन लोग सेलेक्ट हुए उनमें ये शायद उनको भी नहीं पता ही है अभी तक और मैं बता रहा हूँ आपको तो मैंने क्या किया था कि जिनका रिकमेंडेशन मुझे मिला था उन जिन भी लोगों ने मुझे उनका रिकमेंडेशन दिया था मैंने उनको फ़ोन किया था और सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि ये मुझे बस बत बताओ कि कितने अच्छे हैं राइट मुझे कमियां बताओ नहीं कमियां मुझे बस ये बताओ, बताओ क्योंकि कमियां कोई भी और शुगर कोट करके बताता है बिकॉज मैंने मुझे बताया कि कितनी बार कितने लोगों ने मेरे सामने रिकमेंडेशन फेंक कराएं तो मैंने फ़ोन किया उनको और मैंने पूछा बहुत अच्छा आई डोंट नो किसने मुझे सिखाया था बट मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ कि मैं उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि अगर एक साल बाद मान लो ये वर्कआउट नहीं हुआ और चांसेस हैं कि हम दोनों वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है किस रीज़न से वर्कआउट नहीं होगा तो उन्हें स्पेसिफिक बात बतानी पड़ जाती exactly. है तो फिर वो मतलब वो, वो कमी बतानी बतानी पढ़ जाते। पढ़ जाते की, की वजह से होगा इंटीग्रिटी exactly. होगा इसके इनडिसिप्लिन से होगा, yes. से होगा, yes. से होगा yes. ये तो सुबह उठता ही लेट है हाँ. आपको गुस्सा ही जाएगा exactly. इसकी इंटीग्रिटी इशू है डिसिप्लिन इशू है मोटिवेशनल इशू है तो उसे बताना पड़ जाता थैंक यू तो जिस कमी के लिए ओके होता हूं मैं वही आगे कमी ही बतानी पड़ जाती क्वेश्चन हाँ, ही कमी का है कुछ। तो एग्जैक्ट मतलब ये कि हमारी लड़ाई हो गई और झगड़ा करके हम दोनों अलग-अलग अपने-अपने तरीके जगह पे चले गए तो व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ पोटेंशियल रीजन आपने उसके साथ काम किया आपको क्या लगता है और फिर वो ऐसे उसमें फंस जाते हैं मोस्टली लोग कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही Question नहीं था। बड़ा अच्छा है <laughs> <थाँ। ते उसकी laughs> है कि ये तो mm. ये तो ही ही आता मतलब इसके बाद भी बहुत oh, yeah. होती yeah, हमेशा पर मेरे जो जो तीन चार टॉप लोग मैंने हायर करे इस क्वेश्चन के बाद आई डोंग्रेट हायरिंग नाउ आम नॉट सरप्राइज जब वो सेम फ आ रहा है ना तो एम नॉट सरप्राइज कि ये तो मैं साइन अप डे वन पे किया था लाइक आई नो कि ये होना था किस मैं, फिर उसको मैं, करते मैं हैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ एक तो मैं इंटरव्यूज जब मुझे वो पसंद आ जाता नहीं पसंद आता तो मैं पंद्रह मिनट में भी बंद कर देता देख हाँ। तो दस मिनट में पर तो अगर कोई पसंद आता जाता है ना मुझे या सही सवाल के सही जवाब या ये मेरी इंस्टिंग्स कहती हैं ठीक है दिस पर्सन तो मैं इंटरव्यू काफ़ी लंबा लेता हूँ तो और इतने सवाल मतलब और इतने प्यार से पूछता हूँ कैन हमली से कि कहीं ना कहीं जाके स्लिपेज आलिपेज जाता, जाता है, जाता है। <laughs> स्लिपेज आई जाता है अगर आप अलग अलग तरह से चीजें मतलब एक पॉइंट पे आदमी को सच शायद बोलना पड़ जाता है ये निकल जाता है मुझसे और बताए लेकिन हाँ। मुझे लगता है ये हर बार नहीं हो सकता कंपनी में फेजेज आते हैं जहाँ पे कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है और कहीं पे बहुत स्लो ग्रो 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 कर रही होती है तो जब बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है जब हमें इंस्टेंट धड़ 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 चाहिए होता है ना आई थिंक तब आप हायरिंग मिस्टेक्स करते हो और तब आप बहुत सारे अच्छे भी लोग ले लेते हो बट आप तब आधे घंटे में या ना बोलते हो तब कोई स्ट्रैटी वर्क नहीं करती नहीं <laughs> जब तक तो उस हाई ग्रोथ फेज में तो गलतियाँ बहुत होती हैं हायरिंग में ही नहीं बिजनेस डेवलपमेंट में भी होती हैं कस्टमर एक्विजिशन में भी होती हैं लॉसेस में भी होती हैं वो पीरियड में तो सब जगह होती है एक जगह नहीं होती वो मैं हमेशा मुझे लगता है कि बिज़नेसिस में वो पेस बहुत राइट चाहिए कि आपको कितनी ग्रोथ चाहिए साल की बीस परसेंट चाहिए चालीस परसेंट चाहिए इसे kind of आपके जो तो yeah, yeah, you know, <laughs> आप राइट of right? उन्होंने एक बहुत बात बताई थी मुझे जानता हूँ तो मैंने उनसे बात करी थी और उनसे मैंने पूछा था कि आप हायरिंग ए टाइम पे लोगों क्या बोलते हो क्योंकि जब हाई ग्रोथ फेज होता है तब आपको चाहिए कि आप जितने पागल और पैशनेट हो वैसे ही आपके पास लोग आएँ तो कैसे डिसाइड करते हो कि वैसे लोग आए क्योंकि हर इंसान अलग माइंडसेट से आता है तो ही सेट कि मैं ना लोगों को जो मुझे चाहिए होता है कि मेरे कल्चर में फिट हो और जो मेरे साथ एक साथ मैं इंटरव्यू के टाइम पर ही बता देता हूँ कि देखो इधर ना बहुत काम करना पड़ेगा <laughs> पहले ही उसको पहले ही बोल, बो, बो, उसी टाइम टाइम ऑफर लेटर के पे बता या तो भाग जाएगा मैं ऑफर लेटर के टाइम पे बताता हूँ हो सकता है सुबह से रात तक काम करना हो सकता है कभी कभी वीकेंड पे भी काम करना पड़े हो सकता है कि तुम पागल जैसे काम ही करते रह जाओ तुम्हें बस एक पैशन की तरफ भागते रहना पड़ेगा अगर बहुत अप्स एंड डाउन होंगे कुछ भी नहीं होगा कभी कभी ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है जब ट्रैवल करो तो दो तीन दिन वहाँ शहर में रुकना भी पड़ सकता है मैं सारी वर्स के सिनारी बता देता हूँ कि ये तो हो ही सकता है इसके बाद भी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो ये है कि ब्रदरहुड सेम रहेगा पूरी कंपनी में तुम्हें तुम किसी भी पोजिशन पर हायर हो रहे हो तो मैं ये फील नहीं होगा कि ब्रदरहुड कम है मतलब हैरार नहीं है कुछ नहीं है। जैसा, फाउंडर है, जैसा फाउंडर रहता है जैसा फाउंडर रहता है वैसे ही एक वैसी हर हाँ। इंसान सेम रहेगा हर जगह एक ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी वाली वाइब होगी और सबको काम करना बड़े ये मैं बता देता हूँ तो ये वर्स है और बोलते हैं अगर वो उस रोल में आ गया तो बहुत अच्छी मतलब तो वो पहले से प्रिपेरड था और अगर उसको अच्छा रोल मिल गया जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है तो तो उसको लगेगा वाई यार बोला तो कुछ और था मिल तो बस अच्छी चीज़ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत सही है आई रियली लाइक दैट लाइकिया कि तुम वर्स पॉसिबिलिटीज बिफोर हायरिंग बोल दो बिरयानी बाई किलो में टेल मी टॉप थ्री मिस्टेक्स यू हैव मेड तो आई डोंट नो टॉप है बट आई विल टेल यू कि 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 मिस्टेक्स आई वुड से जैसे नाम भी है बिरयानी बाई किलो आई वुड से उस समय हम लोग किलो की बेचते थे hmm. और फिर आधा किलो करी सिंगल पोशन करी बट पीपल स्टिल थिंक की इनकी तो किलो में ही मिलती है तो नाव वी एम मूविंग मोर टवर्ड्स बीबी के मे बी वी शूडेंट हैव यूज दिस नेम बिरयानी ऑल दो इट इज़ वेरी हैप्ट क्योंकि हम किलो हाफ किलोज हैं पर मे बी समाइम्स पीपल थिंक किलो के नीचे तो नहीं मिलेगी ऑल दो वी आर अ प्रीमियम बिरयानी प्लेयर वी

सो अदर आई वुड से कि मे बी वी वन टू शुरू में एक बार हम काफ़ी सिटीज़ में चले गए नाओ वीर इन फोर्टी फाइव सिटीज़ मे बी वी शुड हैव गॉन अल स्लोअर टू मोर सिटीज़ नाव इट इज़ एडवान्टेज उस समय एक दो साल काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई मतलब ना बहुत ज़्यादा इट कैन बी रिस्की ऑल्सो इट हैज बिकॉज एवरी सिटी जैसे वी सेट द कल्चर चेंजेस We have to create brand in different hmm. cities. So it becomes but now we are proud of it. We are in 45 cities. But but it can be risky. It can be difficult. So I oh. would say we would have should have gone more slower. And third? Third, some wrong hirings. Some wrong hirings. So I think tell me that, the worst hiring you have done. <laughs> <laughs> Don't name the person. Just tell <laughs> me what was it? Why did you <laughs> have hiring you so I think it is the कल्चरल फिटमेंट विच तो आई थिंक दिस वन पर्सन जो अफकोर्स वी वेंट थ्रू लॉट ऑफ राउंड ऑफ इंटरव्यूज काफ़ी किए उसकी स्किल सेट काफ़ी अच्छा था पर आई थिंक वी अ वेरी इफ आई कैन से वो आई टी आई एम वाला कल्चर नहीं है टाई वाला मतलब एक ईजी गोइंग थोड़ा सा वी आर नॉट स्नॉबिश एट ऑल एस पीपल इन कंपनी बहुत धरती से जुड़े हुए लोग हैं बिरयानी बेचते हैं मतलब ऐसा कोई हाई फाई काम नहीं करते बेचते डिलीशियस हैं वी आर नॉट सीइंगी मेक टेस्ला और वी वी आर डूइंग स्पेस एक्स तो ई वॉज अ बिग टेक पर्सन बट आई थिंक थोड़ा एटीट्यूड तो आई थिंक वो टीम को काफ़ी लगता था कि देन वी साइड इट्स बेटर टू लेट दिस पर्सन गोज की स्किल है भी हर लेकिन जो एक एक डिस्टेंस द वे दैट पर्सन आई थिंक बिहेव्ड वी थाट कि वो फिटमेंट आ नहीं पा रहा कल्चर से तो आई थिंक सम ऑफ कैन लर्न फ्रॉम आई टेल माय हायरिंग मिस्टेक ओके मैं मेरे पापा के साथ बिजनेस करता था डिटर्जेंट डिशवाश जेल का अरे वाह ओके एंड उस टाइम पे सो so, मैंने मेरी टीम बना के छोटे मोटे इधर उधर से जैसे जैसे लोगों के साथ कहीं से किसको लाके ला के कैसे करके ओवरऑल ज़ीरो से एक करोड़ पर मंथ की हम सेल तक लेके चले गए ओके okay? जीरो से एक करोड़ महीना वेरी फास्ट वेरी फास्ट मतलब ने बहुत जल्दी किया और मतलब हम हमारा नीचे थे हमारा व्हील और घड़ी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं था हम लोग उनसे फार सुपीरियर प्रोडक्ट थे, थे, थे. थे, थे. थे तो बीच में जो स्पेस खा ली वहाँ पे सत्तर अस्सी रुपये किलो वाले थे सो So डेढ़ नहीं है सत्तर अस्सी रुपये पचास रुपये भी नहीं है टाइड हाँ, 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 साठ सत्तर में हाँ, मिल जाते हैं हम लोग एटी फाइव नाइनटी डेढ़ सौ रुपये किलो भी नहीं है तो वहाँ पे होता था राइट तो मान लो अब सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड के बीच कैटेगरी एंड वहाँ पे करते थे तो मैंने ना जैसी क्योंकि ये बहुत फास्ट हुआ मतलब पहले एक बीस हज़ार रुपये पर पर बीस हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी देने लगा उनसे आर निकलने लग गया तो फिर मैं दो लोग हायर कर ली बीस बीस हज़ार के फिर क्योंकि जो एकदम उस टाइम पे हम लोग एस ओ एस आर बोलते थे सेल्स ऑफिसर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनकी सैलरी वहाँ पे उस टाइम तो दो हज़ार चौदह पंद्रह सोलह की बात करूँ तो उस टाइम पर उनकी पंद्रह हज़ार से पच्चीस हज़ार के बीच में सैलरी होती थी विच वॉज मार्केट स्टैंडर्ड यूनिफर से लेके आई टी से ले सब ये पे करते थे तो एक से दो दो से तीन तीन से चार ऐसे करके वो टीम बन गई बनती है और हम लोग वो जहाँ मेरी सेल पचास रुपए पर मंथ की हो रही थी वहाँ से एक करोड़ पर मंथ पे गए पहुंचे एंड जब वो पहुंचे उसके बाद मैंने सोचा कि ओके नाउ इट्स टाइम टू हायर बिग शॉट हाई शॉट मतलब अब क्या अब एक करोड़ से सीधे अब क्या पाँच सौ करोड़ पहुँचना है तो अब पाँच सौ करोड़ वाला बंदा लगेगा और मैं ऐसे यूनिवर आई टी सी डी एस ग्रुप ऐसे टाइप के लोगों को बात बात करके लाने लग गया ढूंढ के कैसे भी कहीं से बड़ी बड़ी कंपनी से और लिखा दैट वाज वन ऑफ़ द दर्स्टेक्स नहीं बैठेंगे हमारे ऑफिस में मेरे पास ही कोई ए सी और कुर्सी नहीं थी हाँ। मैं उसको क्या देता उन्हें रेकी करने के लिए कार चाहिए थी लाइक यार एक कार है जो मैं मेरे पापा और हम सब घर वाले शेयर कर रहे हैं और इसको अलग 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 चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए कार बाहर जाने के लिए कल्चर ही चाहिए। सॉफ्टवेयर चाहिए फिर उसके बाद जब वो रेकी पे जा रहे हैं तब उनके साथ उनको दो लोग अपने साथ भी चाहिए असिस्टेंट चाहिए तो ये भी नहीं हो पाएगा फिर ये सब हुआ फिर डे वन पे उन्होंने पूरी बीट्स बनाई पूरा मध्य प्रदेश का मैप बनाया डन 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 हायरिंग डिमांड दे दी सिक्सटी लोगों को हायर करना पड़ेगा इधर डालना <laughs> मतलब इनको फेयर कौन देगा जैसे हमने कंट्रेंट लगाना स्टार्ट करे कि यार हम अभी वो ब, वो दस लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं आप दस से थोड़ा डालो हम ये थोड़ा अफोर्ड नहीं कर उसको सकते लगा मेरी ग्रोथ कितनी हाँ तो आप मैं क्या एक काम करो रेंटल कार पे एक ही बार में निकलो महीने में

पर आप कैसे उसको छोड़ के पॉडकास्ट पे आ गए एकदम वो सब बताऊंगा मैं <laughs> चलो ठीक है अब पॉडकास्ट मेरा चल रहा है आपका चल रहा है आप वो पेशेंट बट दैट वाज मतलब दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई मेड कि बहुत जल्दी ना हम लोग बहुत ज्यादा हाई फाई कंपनीज को देख के नहीं वो में सब इंस्पायर हो जाते हैं और देख के हायर कर लेते हैं जर्नी पूरी बीस साल की वो पांच साल में नहीं हो सकते मतलब आप बीस तीस साल की जर्नी है आप ज्यादा से ज्यादा दस साल की जर्नी छह साल में कर सकते हो आप अब... बीस तीस साल की जर्नी पाँच हजार नौ महीने का बच्चा चार महीने में नहीं हो। नहीं नौ महीने का बच्चा आठ महीने में हो <laughs> नहीं नहीं वो सकता है प्री मेच्योर में भी दस महीने में हो सकता है थोड़ा लेट बट मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कंपनी की पेस ऑफ ग्रोथ आपको बीस परसेंट पच्चीस परसेंट चालीस परसेंट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एंड आर यू रेडी फॉर देट उस तरह के रिसोर्सेज माइंड समझ सिस्टम्स बहुत मुश्किल है उसकी बट आई थिंक यू कैन इन टूडेज थ्री एक्स योर ग्रोथ ईजी

टेन एक्स बी ग्रो कर सकते, ये ये हाँ, तो कर तो सकते है। हो बिल्कुल बट वी स्टार्टेड पॉडकास्ट थे ही नहीं कंट्रिया प्लेस मतलब दो तीन पॉडकास्टर्स होंगे और कोई था अब अब कोई नया करे उसके लिए मुश्किल होगा अभी भी बन सकते हैं आज भी आई डोंट थिंक कि कोई बहुत लेट हुआ है आज एनी वन केन स्टार्ट टूडे एंड बीट मी और एनी अदर टॉप फाइव

पेन इतना बड़ा नहीं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है पर ठीक है हो तो यूएस इंडिया एंड चाइना तीनों कंट्रीज के बारे में बताओ कैसे कैसे डिलीवरी बिजनेस वहाँ बने हैं वहाँ पर फूड बिजनेस की क्या हालत है कैसा है हर जगह बताओ नहीं वेरी गुड सर्च इनसाइट बताओ मुझे आ, हर कंट्री तो देखिए सबसे पहले कोई भी फूड बिज़नेस शुरू होगा कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं राइट तो जैसे जोमेटो स्विगी पे इंडिया पे जो लिस्टेड रेस्टोरेंट्स हैं वो करीब तीन लाख है ओके okay. और बिरयानी बाई किलो जैसे हमारी उसको सौ में सौ आउटलेट है डोमिनोस अट्ठारह सौ है तो अठारह सौ के देंगे okay. ऐसे करके तीन लाख है जो जोमेटो स्विगी लिस्टेड है ठीक है जस्ट टू प्ले अ वेरी स्मॉल गेम आपको क्या लगता है जो सबसे बड़ा डिलीवरी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है चाइना में मेटोआन उस पर कितने लिस्टेड होंगे जस्ट टेक अ गैस वेरी वाइल्ड गैस इंडिया से दो तीन गुना बड़ा होगा दस लाख आप दस लाख कह रहे दें ये है वहां पे है आई थिंक यू कैन से और आई वुड हैव सेट इफ वेरी हमली सिक्स टाइम्स क्योंकि जी डी पी सिक्स टाइम्स है hmm. हमारा जी डी पी साढ़े जी डी ट्रिलियन है उनका एटीन नाइनटीन ट्रिलियन hmm. है सिक्स टाइम्स है तो ये कर लेते हैं कि हमारे तीन लाख है तो उनके वन पॉइंट एट मिलियन हो उनके हैं टेन मिलियन उनके हैं टेन मिलियन एक करोड़ एक करोड़ रेस्टोरेंट्स उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म परिस्टेड है और जैसे जोमेटो स्विगी दिन में उनके एवरेज ऑर्डर हैं दो मिलियन ईच डिलीवर करते हैं बीस लाख हाँ बीस लाख ईच एवरेज हुँ। मतलब संडे को ज्यादा होते हैं वीकडे में कम होते हैं एवरेज करीब करीब और मेटुआन जो चाइना का नंबर वन है वो दिन के डिलीवर करता है सिक्सटी सेवनटी मिलियन ऑर्डर्स अकेला छः एक सात करोड़ तो ऐसा नहीं कि सिक्स टाइम्स है इट्स इट्स ह्यूज जैसे वेरी तो वेरी इंडिया में के एफ सी है हजार अभी हजार बार खुला था जबकि एंड लाइक आई सेड कि फाइव like करोड़ पर के एफ सी रेवेन्यू ईयरली तो पांच हजार करोड़ से ज्यादा का हो गया और इंडिया में पांच हजार करोड़ से बड़े ब्रांड आई टी सी का एक है आशीर्वाद यू नो यूनिलिवर का एक ब्रांड है सरफ एक्सल तो. सब छोटे ही है दो चार हजार करोड़ के ब्रांड है तो इट्स अ बिग थिंग पर लेकिन आप वर्ल्ड स्केल पे देखो तो करीब पच्चीस हजार के एफ सी हैं चाइना में ही दस हजार के एफ सी हैं स्टारबक्स इंडिया में है करीब चार सौ और यू ए जहाँ की दस मिलियन की पॉपुलेशन है एक करोड़ लोगों की इंडिया में डेढ़ सौ करोड़ में है। वहां पर ढाई सौ स्टारबक्स हैं टू फिफ्टी है। इंडिया में कितने स्टारबक्स हैं चार सौ हैं चार सौ सवा चार अभी इंडिया में तो शुरू हुआ है जैसे क्योंकि लाइक आई सेड डालिए कि लेबर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है ट्वेंटी फाइव परसेंट करीब तो जैसे जैसे हाई जाएगा अभी तो इफ़ आई कैन हमली से मेड्स वगैरह सर्वेंट्स इंडिया में सस्ते हैं मान लीजिए बीस पच्चीस हज़ार में मिल जाते हैं धीरे धीरे पाँच साल में आप देखेंगे ये पचास साठ हज़ार के मिलेंगे मान लीजिए या फीमेल लेबर तो जो आज जोमेटो स्विगी के इंडिया में जो टॉप फिफ्टीन ट्वेंटी मिलियन कस्टमर्स हैं जो चार पाँच मील ऑर्डर करते हैं ये शायद पंद्रह बीस मील ऑर्डर करने लगे महीने की तो जो डिलीवरी है ईटिंग आउट है देखिए ईटिंग आउट में तो क्या है आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए भी जा रहे हैं खाना खाने पेट भरने ही नहीं जा रहे पर डिलीवरी में तो क्या है कि आप एक डेली यूज की चीज़ भी मंगा रहे हैं कि भाई मुझे घर में नहीं बनाना पड़े अभी तो लाइक हमारे लकीली हमारे घर में काफ़ी हमारी फैमिली मेम्बर्स को कर देते हैं पेट्स हैं पर ये कम होता जाएगा तो स्केल जो है इंडिया में एफएनबी एन बी इंडस्ट्रीज जो फूड एंड बेवरेज सत्तर अस्सी बिलियन डॉलर की यूएस में ये 800 बिलियन डॉलर की है तो स्केल अभी इतना बड़ा है और ये जीडीपी ग्रोथ से नहीं उससे बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा क्योंकि लाइक ए सेट कि लोग खाना खाना बाहर से मंगाना करना क्योंकि जैसे ही फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ता है जैसे ही ये मेट्स की सर्वेंट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो इट्स नॉट बाइबल टू कुक थ्री मील्स अ डे ओके तो स्केल बहुत बड़ा है इस बिज़नेस में ग्रोथ अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत ह्यूज ही बट डू यू ऑल्सो फील कि ये नंबर इतना ज्यादा डिफरेंट इसलिए है इंडिया व चाइना में टेन का डिफरेंस है जबकि जी डी पी टक्स से भी ज्यादा तो का डिफरेंट से ट्वेंटी फाइव एक्स का डिफरेंस का अगर बिजनेस डिफरेंस है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो पच्चीस हाँ रेस्टोरेंट है राइट और लेकिन जी डी पी सेवन की सिक्स एक्स ही बड़ी है ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अनऑर्गनाइज मार्केट है उसका कैलकुलेशन नहीं आता आता है देखिए क्योंकि जोमेटो पे तीन लाख रेस्टोरेंट्स होंगे बट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट नुक्कड़ नाश्ते की दुकानें छोटी छोटी राइट वो भी आ, चाय की कचौड़ी की जलेबी की इन सब की चीज़ें ये सब जोमेटो पे नहीं होगी हजारों लाखों में होंगी जगह जगह पे क्योंकि हम बहुत अनऑर्गनाइज हम बहुत बहुत अनऑर्गनाइज मार्केट इंडिया पॉइंट आप इस नंबर को जोमेटो स्विगी भी अब बहुत यू नो छोटे प्लेयर्स को भी लिस्ट करता है और एफ लाइसेंस तो काफ़ी छोटों के पास भी होता है क्या ढकेल वाले के पास शायद ना हो क्योंकि पर, रेडी कल्चर बहुत ज्यादा है नहीं फेयर पॉलिस लाखों रेडी वाले एक एक शहर में पर पर आप देखिए जैसे जैसे क्या है कि जीडीपी बढ़ेगा पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी हमें फूड हाइजीनिक खाना कंसिस्टेंट वाला मतलब मोर यू नो समथिंग विच वी कैन ट्रस्ट तो धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और विच हैपन्स इन एवरी कंट्री पर आप जो एफ एन बी इंडस्ट्री का साइज़ देखें जो सेवेंटी एटी बिलियन डॉलर है इंडिया की जी डी पी करीब है थ्री पॉइंट फाइव ट्रिलियन तो आप बेसिकली इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो टू परसेंट ऑफ द जी डी पी होगी राइट मोटा मोटा अगर सेवेंटी बिलियन पे लें तो आप देखिए कि यू एस की इकनॉमी है ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन या करीब ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्रिलियन ही है अभी तो आप बेसिकली देखिए तो वहाँ का पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ जी डी पी भी फाइव परसेंट एफ एन बी इंडस्ट्री में छोटे भी आ गए hmm. छोटे भी आ गए सब मिला गया तो ये भी टू परसेंट से फाइव परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री जो है बढ़ने धीरे धीरे तो पर पर ऑल द फैक्टर्स आर इन फेवर दी ये सब क्योंकि hmm. so? क्योंकि नो द क्वेश्चन योर यू एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है इंडिया एक कम्युनिटी सोसाइटी है यूएस में लोग घर से अठारह साल की उम्र में निकल जाते हैं माँ बाप अकेले रहते हैं बच्चा अकेला रहता है पार्टनर उधर बहुत डिफ़िकल्ट है सब पार्टनर इंडिविजुअली रहते हैं सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल दोस्तों यारियों का कल्चर नहीं है सब लोग साथ में नहीं बैठते क्योंकि वो इतना इंडिविजुअल है कल्चर वहाँ पे खाने को एक टुगेदरनेस जैसे देखते ही नहीं है वहाँ पे सब लोग साथ में बैठते ही नहीं है इंडिया में क्योंकि हम साथ में बैठते हैं इतने बड़े परिवार होते हैं इतने लोग साथ में उठना बैठना आए दिन करते रहते हैं इसकी वजह से यहाँ पे खाना घर में बनता है और सब मिल मिल बाट के खाना खाते हैं तो डू यू थिंक इसकी वजह से भी यू के लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं वर्सेज़ इंडिया क्योंकि मैं अकेला ही हूँ खुद ही काम कर रहा हूँ खुद ही जा रहा हूँ ना मेरे घर में माँ बाप है ना मेरे बच्चे हैं वहाँ पर बच्चों का भी बहुत कम कल्चर होते जा रहा है धीरे धीरे तो जब है ही नहीं तो मैं अकेला हूँ तो नहीं बनाना मैं ऑर्डर करते जाता हूँ बट वर्सेज़ योर यहाँ पे एक फैमिली में आप छोटी फैमिली तो चार लोग रहते हैं बड़ी फैमिली तो आठ से दस लोग रहते हैं राइट right? इसमें कहीं ना कहीं किसी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब्जी लेके आएगा किसी एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खाना बनाएगा या बनाएगी या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर सारे सब लोगों के लिए टेबल पे से खाना उठा के रख देगा एक छोटी फैमिली से मैंने देखा है वेयर अ लॉर्ड ऑफ टाइम्स ऑफ सीन की जो हाउस हैं वो खाना बनाती है एंड जो Uh, जो फादर होते हैं राइट दे वो सब्जियां लेके आते हैं हाँ ये सर्व कर देते तो हैं वो सब्जियां लेके आते हैं ये घर में बनाती हैं और फिर जो उठाने का टाइम आता है तब तो बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तेरह चौदह साल का उनको बोल देते हैं कि चलो अब तुम मम्मी की हेल्प करो पापा की हेल्प करो और कर दो तो इट्स तो अ तो तो वेरी कम्युनिटी ड्रिवन एक्ट यू में ऐसा होता ही नहीं है यस एंड नो सी आई आई एग्री विद विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल एम स्टार्टिंग एग्रीमेंट इट इज ऑल्सो ऑल चेंजिंग देखिए आप ही इंदौर से आए अब आप अकेले ही रहते हैं ना यहाँ पर मैं तो मेरे शिफ्ट कर रहा हूँ अभी तो नहीं जो भी है हाँ। हाँ। आप इतने लोग हैं आप देखिए मेरे जब फादर थे तो उनके घर हाँ। में मतलब शायद बीस लोग रहते थे अब मेरे फादर और ब्रदर साथ रहते हैं मैं उनसे थोड़ा सा दूर रहता हूँ देखिये न्यूक्लियर फैमिली सब इंडिया में भी होती जा रही है डबल वर्किंग हस्बैंड वाइफ इंडिया में भी होते जा रहे हैं टीयर वन में तो सब वैसे ही होता जा रहा है लोगों का कम्यूट जबकि दूसरे से ये भी कहा जा सकता भी है।, है जैसे मैं सिंगापुर रहता था तो वहाँ जैसे मैंने कहा कि महीने की नब्बे सौ मिल होती है तो सारी बाहर खाते हैं तो वहाँ तो जैसे कम्यूट टाइम भी कम है सिंगापुर में इंडिया में तो बॉम्बे में कम्यूट टाइम भी डेढ़ डेढ़ घंटा यहाँ अलग दिक्कतें भी तो हैं और न्यूक्लियर फैमिली यहाँ भी होती जा रही है वेमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क यहाँ भी होती रहे हैं जैसे तो वो ट्रेंड्स तो आप देखिए कि आज से 20 25 30 साल पहले सब शर्ट टेलर से बनवाने जाते थे सूट अब सब बनाई बनाई यू नो मदरा कोर्ट से या किसी से भी लुई फिलिप से ले लेते हैं तो वो ट्रेंड्स तो देखिए थोड़े कम हो ज़्यादा हो चेंज तो उसी डायरेक्शन में ही जाते हैं ओके okay. न्यूक्लियर फैमिलीज़ चीज़ें फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन मेट सर्वेंट्स बेकम तो वो एक नेचुरल ट्रेंड भी है एज कंट्रीज बिकम रिचर थोड़ा सा फ़र्क रह जाता जैपन एंड चाइना ऑल्सो वेरी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज ऐसा नहीं वहाँ भी बहुत कल्चर सेम है डू यू फील कि कंट्री जैसे, जैसे जैसे रिच होते जाती है काम बहुत करना पड़ेगा रिच होने के लिए जब आप आज हमारी तीन चार हजार डॉलर पर कैपिटल इनकम है जब दस हजार डॉलर होगी चालीस हजार डॉलर होगी तो उसके लिए काम बन तो काम बहुत करोगे तब तो शायद थोड़े लोगों से रिश्तेम होते जाते हैं राइट और फिर क्या है कि एक बार दूसरा ये भी है जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है हायर पर कैपिटल हो जाती है तो शायद वो सोचता है जो कि सही नहीं है कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है अब ज़्यादा चूजी हो जाता है स्नॉबिश हो जाता है तो दोनों तरह से बल्कि इसमें एक और भी डेटा है कि जब कंट्रीज रिच होती जाती हैं तो उनकी फर्टिलिटी रेट जो कि रिप्लेसमेंट रेट ऑफ ग्रोथ टू पॉइंट वन है पर वुमेन वो कम होता जाता है सिंगापुर में मतलब क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ की जैसे कि एवरी वुमेन हैज़ टू गिव बर्थ टू टू पॉइंट वन अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन स्टेबल रहे okay. क्योंकि डेथ्स भी होती है तो एक हस्बैंड वाइफ है हस्बैंड तो बच्चे नहीं पैदा कर रहा है mm -hmm. ही कर रही है तो अगर वो टू पॉइंट वन इज द नंबर जिसमें दो लोगों अगर हाँ कंट्री वो रहती अब इस समय साउथ कोरिया इज रिच उनका फर्टिलिटी रेट पर वुमेन इज पॉइंट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड तो जैसे आपने कहा ना कि लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते जाते हैं तो सिंगापुर में इट इज़ वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू तो इट इट बिकम्स तो वो पॉपुलेशन कम होती जाती है hmm. क्योंकि लोगों को लोग ही नहीं चाहिए बच्चे ही नहीं दो ही जब बच्चे ही नहीं चाहिए तो लोगों को क्या क्या कह देंगे वंस यू बिकम रिच आपके यू वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ अपनी खुशी अपना वो तो इट्स ऑल्सो आई वुड से इट्स नॉट अ गुड थिंग बट आई थिंक दैट्स हाउ ह्यूमन साइकिल्स हैव बिकम कमिंग बैक टू द बिजनेस ओके यू तो आपने बोला कि इंडिया में भी इतनी तेज़ी से बिजनेस बढ़ेगा यू एस जितना चाइना जितना, जितना इंडिया में क्या तीन चार चीज़ें हैं अभी जो आपको लगता है कि बॉटल नेक है कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो करने में रोक सकते हैं इंडिया को बिज़नेस कुछ चीज़ें हैं एक तो देखिए क्या है कि यहाँ पे वेंडर्स उत जैसे कि जो लोग यूएस में बिज़नेस करते हैं चाइना में करते हैं फिर फूड में इसमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उन्हें सप्लायर्स का सपोर्ट बहुत होता है वही रेस्टोरेंट जो इंडिया में किचन में दस लोग रखता है उसी रेस्टोरेंट में उसी फूड में उसे यू या चाइना जाके चार ही लोग रखने पड़ेंगे क्योंकि सप्लायर से काफ़ी कुछ पीछे से मिल जाता है जैसे जैसे मान लीजिए चिकन ही है उस उनको वो थॉट चिकन मेरीनेट हुआ राइट टाइम पे दिन में दो बार मिल जाएगा तो उन्हें एक, एक एक्स्ट्रा आदमी रखने की जरूरत नहीं है जो उसे चॉप करे मेरीनेट करे तो वो सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है एक तो वहाँ ओके okay. तो उससे बहुत फास्ट हो जाता है right. दूसरा जो एक रियल एस्टेट है इंडिया में वो जो रिटेल वाली है क्लाउड किचन वाली डिलीवरी वाली रिटेल वाली है वो बहुत लिमिटेड है उतनी ही मॉल्स हैं उतनी हाई स्ट्रीट है और रेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेवेन्यू जैसे आप बॉम्बे दहली में लेने जाएँ तो तीन सौ स्क्वायर फुट चार सौ स्क्वायर फुट का रेंट है तो रेंट ऐसा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डाइने में आ तेरह चौदह पंद्रह परसेंट भी हो जाता है जो कि बहुत हाई है यूएस वगैरह में चाइना में वो सात आठ परसेंट ही है क्योंकि तो रियल एस्टेट उस तरह से मॉल्स हाई स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है ओके okay. तो वो एक बॉटल नेक हो जाता है पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं सप्लाई चेन जब हमने दस साल पहले शुरू किया था अब में बहुत फ़र्क है hmm. सब चीज़ों में डेवलप हो रहा है रियल इस्टेट भी ओपन अप हो रही है ओके okay, टेलमी कि चिकन और मीट में बहुत अडल्ट्रिंग चलती है बहुत ज़्यादा मिलावट चलती है बहुत सारा ख़राब है अच्छा है क्या है आप भी आपने बीच में एक थोड़ा सा टच भी किया कि नाइन हंड्रेड ग्राम्स और 1100 हंड्रेड में बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो क्या प्रोसेस से करते हो कि हर बार जो मेरा मीट हो वो सही हो देखिए हम तो एक तो बहुत बड़े वेंडर्स से डील करते हैं हुँ. कि जो कि बहुत रिप्यूटेड वेंडर्स हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जाके उनकी फैक्ट्रीज में या जहाँ भी काम होता है उनको कंटिनसली हर महीने इंस्पेक्ट करते हैं जब सामान कोई भी चाहे वो मीट हो चाहे वेजिटेबल हो चाहे चाहे दही हो चाहे कोई भी चीज़ हो चावल तो हम जब आता है तो अभी बहुत इंस्पेक्शन होते हैं जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट में 900 ग्राम का चिकन का वही डालते हैं 1200 का नहीं डालेंगे हिंदी में बोलूं तो वो चिकन बुढ़ा हो जाता है राइट okay. जवान की वजह जैसे की मटन में भी गोट में भी अगर 7.5 पॉइंट का कारकस है सॉरी थोड़ा सा वर्गर चीजें तो वो एक होता है कि सात महीने का आठ महीने का जो बकरा है या नौ महीने का उसका वज़न उतना होगा ओके okay. पर अगर वो बुढा हो गया एक डेढ़ साल का हो गया तो उसका वज़न बारह तेरह साल हो जाता है तो उसमें उतना शायद लोगों को खाने में मज़ा नहीं आता ये सेम चिकन दूसरा है कि भाई उसकी ब्रीड क्या है तो हम लोग जो बेस्ट ब्रीड्स हैं आज हम कई बार होते हैं ना जैसे कि एक होता है कि एक बैटरी चिकन बोलते हैं एक वर्ड यूएस में बैटरी बैटरी चिकन उस चिकन को उतनी ही जगह मिली है ब्रीड करने के लिए बैटरी जितनी अच्छा तो उस 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 उतनी स्पेस में हैव यू यूज्ड फ्री रेंजिंग बर्ड्स कि भाई जो बर्ड आपस घूम रहा है खा पी रहा है तो वो एक उसकी क्वालिटी और, और दोनों में क्वालिटी और टेस्ट डिफरेंट होता है टेस्ट डिफरेंट होता है तो आप किस तरह का बर्ड यूज कर रहे हो फ्री रेंजिंग बैटरी उस चिकन को किस तरह की फीड मिली हुई है जिस जहाँ से आप सोर्स कर रहे हो उसे अच्छा सोया अच्छा कॉर्न मिला है या उसने जो उसको मिल गया वो खा लिया जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ, हुआ था तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप किस तरह से कर रहे हैं तो हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल हर बार हैं। उसी टाइप का उसी उतना ही यंग उतने ही वेट का उतना ही फीडेड उतना ही फ्री वो के भी करता है हम भी करते हैं तो बड़े ब्रांड्स साब ये सब चीज़ें करते हैं नहीं तो क्योंकि क्वालिटी जैसे आज हम 300 करोड़ का हैं 45 सिटीज़ में हैं हमें तो पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना है अगले दस बीस साल में तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड जो खाता है मतलब जो भी इंसान चिकन खाता है उसको समझ में आता है कि ये इतना डिफरेंस है कई बार इतना नहीं समझ पाते देखिए ऐसा है कि जैसे कार है मैं आपको बताता हूँ कई बार फील की अब कई बार कार्स के जो एंथुजियर्स थे उन्हें पता होता है कि जीरो टू हंड्रेड किलोमीटर ये पाँच सेकंड में जाएगी आठ सेकंड में जाएगी या इसकी टॉर्क कितने न्यूटन मीटर की है या कितने सिलेंडर का इंजन है ये एंथुजियास्ट को पता होगा जैसे हमारे केस में बिरयानी एंथुजियास्ट को पता है कि ये टू इयर्स नेचुरली एज्ड प्रीमियम बासमती यूज़ कर रहे हैं दावत का इस तरह के स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं इस क्वालिटी का चिकन या कटल यूज़ कर रहे हैं पर लेकिन बाकी लोगों को फील आ जाएगी जब खाना खाएंगे तो उन्हें लगेगा हल्का था खाकर पेट भारी नहीं हुआ पेट खराब नहीं हुआ फील अच्छी आ रही है वो टेक्निकली शायद नहीं समझ पाएँ उन्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है जैसे मैं कार इंतजस्ट नहीं हूँ तो मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है कि जीरो से हंड्रेड किलोमीटर छः सेकेंड में जाएगा या साढ़े सात सेकेंड में जाएगा या कितने हज़ार यूरो न्यूटन मीटर की टॉर्क है या कितने वी सिक्स कैलेंडर पर मुझे फील से आ जाएगा कि भाई ये तो भाग रही है इसमें तो पावर है मज़ा आया मज़ा आया <laughs> तो वो मज़ा बता देगा उसको कि, कि कि भाई और मेरा पेट भारी नहीं हुआ खराब नहीं हुआ तेल मसाले खराब नहीं थे कोई खाने में गंदी स्मेल नहीं आई अच्छी स्मेल आई वो उसको वो फील और इंस्टिंक्ट्स बता देंगी अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट और कॉन्शियस के साथ जी रहा अच्छा। है कुछ लोग विदाउट लो कॉन्शियसनेस भी जीते बस खा रहे हैं भाग रहे हैं है, तो नहीं नहीं खाने नहीं खाने आपकी हेल्थ के तो लग रहा है आप <coughs> कॉन्शियसली जीते हो। कॉन्शियस लिविंग माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं तो उन्हें पता लग जाएगा जितना मैं वेट में कॉन्शियस हूँ पोर्शन कंट्रोल है दे दो मुझे रखा वो एक पता लग जाता है अगर आपने ट्वेंटी थर्टीज में अच्छी क्वालिटी ऑफ खाना खाया है

वो मुझे हाँ। बताया कि दिन भर में काप्स कितने खाने प्रोटीन कितना खाना है फैट्स कितने खाने पर उसकी क्वालिटी ऑफ़ राइस क्या है क्वालिटी ऑफ चिकन क्या है क्वालिटी ऑफ हाँ वो अभी इत, क्या है उस लेवल पे नहीं पहुंचे हम मे बी वन डे आई बी एल वी देर हाँ थोड़ा सा और एज में हो जाए ओके कमिंग टू बिरयानी आपने मसालों की बात करी तो मसाले कहाँ से आते हैं तो हम तो सारे मसाले केरला से लेते हैं और क्यों केरला स्पेसिफिकली क्योंकि वी हैव चोजन सम वेंडर्स देयर जो हम शुरू से आज से दस साल पहले तो वेन वी वर सेलेक्टिंग अर वेंडर्स और हमने कभी चेंज नहीं करे चाहे वो राइस के हैं जी तो हमने स्पाइसेस क्योंकि वहाँ से वी थिंक की मैक्म स्पाइस वहाँ से बहुत अच्छे आते हैं पर लेकिन फिर उसके आगे हम उन सबको करके एक पर्टिकुलर वेंडर से फैक्ट्री से वहाँ तक ला के उनको फिर ग्राइंड करा के जो कि हम बहुत रेगुलरली कराते हैं कि वो उनकी फ्रेशनेस बनी स्पाइसिस की भी फिर एक जगह से सारी आउटलेट्स को भेजते हैं ग्राइंड करा के बट केरला में कुछ स्पेसिफिक है या स्पेशल है जिसकी वजह से वो बाकी से बेटर है केरला इज नोन फॉर इट्स स्पाइसिस जब आया थे यू नो यूरोप से कोलम्बस वो हुँ. सब देखते हुए इंडिया के लिए तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन वॉज द स्पाइसिस इन इंडिया तो केरला एस ए सर्टेन टेम्परेचर क्लाइमेट श्रीलंका की सिनेमन हुई काली मिर्च हुई ये सब वहीं होते हैं तो इट इज नोन इट देव अट इन वेदर सट इन सॉइल कि वहाँ पर श्रीलंका में केरेला में उस साइड ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट स्पाइसेस होते हैं ओके तो इसीलिए टेम्परेचर एक्सेट्रा सॉइल परमिट्स दैट गॉट इट एंड अक्रॉस स्टेट्स यू फील वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स टू सोर्स स्पाइसेस फ्राम मिस केरलास एंड राइस कहाँ से बेस्ट हो तो राइस तो देखिए कि काफ़ी नॉर्थ इंडिया से ही ज़्यादा आता है साउथ से भी पर हम लोग भी प्राउडली यूज दावत राइस विच इज़ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड इन इंडिया वैन वी वर्क वो लोग दावत फैमिली वी वी वेरी प्राउडली एसोसिएट विद वो भी हमारी बिरयानी खाते हैं और हम इट्स अ फोर्टी ईयर ओल्ड ब्रांड इन इंडिया यू एस में भी उनका बहुत चलता है ऐसा सो देर राइस दावत का ही जो दो साल नेचुरली एज होता है जैसे क्या करते हैं जैसे मैं अगर हिंदी में बोलूँ केला है उसे पकने में चाहिए दस दिन हुँ. तो लोग कई बार सब्ज़ी मंडी में उसे ज़बरदस्ती एक दिन में रात को पका देते हैं उन्हें अगले दिन बेचना है तो आर्टिफिशियल वेस यूज़ करके तो चावल को भी क्या है कि लोग दो महीने में तीन महीने में क्योंकि दो साल कौन होर्ड कौन रखेगा गोडाउन में बट देट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड कि चावल अपने आप हाँ पक जाए एज कर जाए तो जब आप उसको पकाते हो खाते हो तो वो स्टमक के लिए अच्छा है बॉडी के लिए हल्का है तो बट जैसे ये टेक्निकल बात है मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन जो खाता है उसको फील हो जाता है कि मैंने खाया बहुत उमदा चावल था लॉन्ग रेन है बहुत बासमती है इसमें फ्लेवर आ रहा है और हल्का है पर टेक्निकली वी यूज़ द बेस्ट जो टू ईयर्स नेचुरली एज्ड बासमती है बट ये कितना डिफ़िकल्ट है कि टू ईयर्स नेचुरली एजड अगर आप ले रहे हो आप तेजी से बढ़ गए तीन सौ से हजार करोड़ पे चले गए तो क्या वो पैकेंड पे इतना सप्लाई तेजी से कर पाएंगे नहीं नहीं वो तो सी क्योंकि दो साल का टाइम है ना नहीं पर वो थीगो? नहीं हाँ पर वो तो दावा तेज़ा 6-7000 करोड़ टॉप लाइन कंपनी का ऑलरेडी सिक्स सेवन थाउजेंड करोड़ होगा धंधा जहाँ पे वो बेच रहे होंगे तो उन्हें किसी सप्लायर का तो रोक के आपको देना पड़ेगा नहीं नहीं सर देखो तो हज़ार करोड़ की कंपनी में फूड कॉस्ट हमने कहा थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट है उसमें भी राइस उसका एक मान लो परसेंट है।, है तो शायद हज़ार करोड़ की कंपनी में राइस तो सौ करोड़ का ही लग रहा है न? हाँ मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सौ करोड़ का भी लग रहा है तो हाँ। सौ से दो सौ तीन सौ पाँच सौ का भी तो जाएगा सो दैट डू यू थिंक आपका जितना प्रोडिक्टिव वर्क करता है डेटा उतना ही आपको उनको बताना हाँ हाँ, दो साल का टाइम लाइन आपका हाँ, बहुत हाँ, हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद द फाउंडर्स मतलब ऑल वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स इन दिस कंट्री तो वी आर वेरी प्राउड तो वो सब हम उनको साथ शेयरिंग रहती है हम साथ में बिरयानी डे चीज़ें काफ़ी सब एफर्ट साथ में ही करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहता है कि आप देखिए कंप्यूटर में भी अगर वो पीछे से इंटेल का सीपीयू नहीं आएगा तो डेल या आईबीएम या एचपी कैसे बनाएगा कोई भी हाँ, वो, ही तो वो सब तो कोऑर्डिनेशन करना ही करना पड़ेगा कि आपको बढ़ाना है तो आपको सारे सप्लायर्स हाँ, हाँ, क्योंकि सप्लाय। बाकी सारी चीजें तो आ जाएगी दो साल नेचुरली एज हाँ नहीं आपकी बात सही है

उतना दावत भी बीइंग अ बिग कंपनी उतना एब्जॉर्ब कर लेता है दस बीस परसेंट ऊपर नीचे है तो दो तीन साल का बिजनेस प्लान रेडी रहता है इन टर्म्स ऑफ स्केल हाँ हाँ तो आई थिंक थ्री इयर्स वी वांट टू बी वी आर टारगेटिंग टू बी ऑलमोस्ट अ थाउजेंड करोड़ कंपनी तो उस हिसाब से सारा काम हम कर रहे हैं एंड इट्स नेवर फास्टर इट्स नेवर लाइक दैट कि तेज़ी से और बढ़ना हो नहीं देखिए इसमें क्या है कि इट्स नॉट की खाली टेक्नोलॉजी आप या कोई एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है तो उतने आउटलेट्स अभी हमारे सौ आउटलेट हैं तो हजार करोड़ के लिए करीब टू ट्वेंटी टू थर्टी आउटलेट्स लगेंगे तो उतने आउटलेट खोलना ट्रेन करना लोगों को बनाना तो इट्स एक सर्टेन लेवल ऑफ़ सर्टन लेक थ्री चलिए क्वेश्चन की मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछिए है पर मेरे को पहले ना स्पाइस वाला खत्म करना है पूछिए तो स्पाइसेस की जब हम बात कर रहे थे रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी आई थी आ, वो एमडीएच की वो एमडीएच की, MDH की मसालों की राइट तो नेपाल में और सिंगापुर में बैन कर दिया एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर दिया हांगकॉन्ग में बैन कर हांगकॉन्ग में ठीक है तो क्यों मतलब क्यों उनमें क्या क्या था? केमिकल हैं स्पाइस में? So, see, I'm not, क्योंकि हम जो स्पाइस यूज करते हैं हम लोग उसमें कोई केमिकल नहीं होता क्योंकि हम लोग तो केरला में वेंडर से डायरेक्टली लेते हैं और से कर ले हाँ, हाँ, करके रखना तो हमारे में तो कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है तो जैसे ये लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए बनाना पड़ता है हम तो उन वेंडर से फ्रेश लेते हैं फ्रेश ग्राइंड कराते हैं हर बहुत छोटी साइकिल्स हैं हमारी जिसमें वो हर उतने दिन में वापस आ जाता है तो हम लोग तो प्रजर्वेटिव से केमिकल्स बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हमारी फ़िलासफ़ी फ्रेश कुकिंग वेरी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हमारी तो फ़िलासफ़ी वही है कि फ्रेश बनाया जाए अच्छी क्वालिटी बिकॉज वी बिलीव फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन माइंड बॉडी सोल हमारी तो फिलोसफी नहीं है पर अफकोर्स अगर उन लोगों को एक्सपोर्ट करना है जहाँ साल दो साल की शेल्फ लाइफ रखनी है तो दे वर यूजिंग सर्टन प्रिजर्विटिव एंड केमिकल विच आई एम नॉट अवेयर बट आई रेड अबाउट इट की विच इज़ वाज बियॉन्ड परमिसेब लिमिट्स बट आई एम श्योर दे विल वर्क एंड दे आर ऑल्सो वेरी ओल्ड ब्रांड्स नॉट रीच आउट टू यून बी लाइक हमारे मसाले करो

मतलब वी बाय अ लॉट ऑफ़ वेरी हाई क्वांटिटी और चीजें तो उस समय जो भी प्राइसेस होते हैं बेस्ट ही होते हैं दे दे आल्सो आल्सो वांट अस टू यूज़ दैट एंड प्राउड ऑफ़ इट पाँच दस रुपए के फर्क से किलो में मतलब वी विल जैसे तो के किलो में बहुत फर्क पड़ जाएगा सौ करोड़ के चावल खरीद हाइपोथेटिकली राइट एंड वो आपसे मान लो दस परसेंट प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं कोई आपको सात परसेंट में देने के लिए तैयार है नहीं बताइए इसमें वेंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि वो जो क्वालिटी सप्लाई आपको दस साल से दे रहे हैं और वो देते आ रहे हैं उसमें यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वो ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है हंड्रेड परसेंट या हंड्रेड टेन परसेंट है अगर वो सामने वाले के साथ नाइन्टी परसेंट है यू के नॉट प्ले विद योर प्रोडक्ट और यू के नॉट टेकमर बट वाई डोट गिवे अ चु न्यू प्लेयर जैसे दावत तो सालों से तो चल रहा है इंडिया गेट तो चल रहा है कोई एक तीसरा होगा वो दावत बनेगा ही कैसे भी, जब भी, तक, भी, तक भी, आप कैसे भी, लोग भी 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 frank, हमने ट्राइ, हम करें हमने एक दो तीन बार पर लेकिन उस क्वालिटी उस लेवल का उतनी कंसिस्टेंसी से क्योंकि तो इन लोगों ने इन अपने प्रोसेसेस को डिफाइन भी ये सब कंपनीज 40 चालीस पचास साल पुरानी है कि कैसे ये लोग पेडी लेते हैं कैसे किस क्वालिटी की पेडी लेते हैं किस फार्मर से लेते हैं कैसे उसको एज करते हैं कैसे मिल करते हैं ये भी सब प्रोसेस है उनकी क्वालिटी कंट्रोल चेक उस लेवल के सिस्टम्स प्रोसेस हर छोटे मतलब किसी भी वेंडर के लिए बनाने बहुत मुश्किल है भाई इंडिया सबसे ज़्यादा बिरयानी कौन सी सिटी खाती सबसे ज्यादा ऑर्डर हैदराबाद वो लोग तो नाश्ते में दोपहर को रात को किसी भी समय रात को दो बजे मतलब ना तो इट गोस विदाउट सेइंग आई वुड से, से। मे बी सेकंड चेन्नई होगी बिरयानी बाई किलो से भी ये होता है बिरयानी बाई किलो की भी सबसे ज्यादा ऑर्डर हैदराबाद में ही होते हैं हैदराबाद में हमारे आउटलेट अभी कम है एक दो ही है तो अभी अब वहाँ पर क्योंकि हम क्योंकि उस मार्केट में हम इट इज़ लाइक कि आपको इटली में जाके कॉफी बेचनी है तो हमारी बाकी सब सिटीज़ में भी हैदराबाद में वी आर वी विल ग्रो स्लोली क्योंकि वो मार्केट बहुत डिफरेंट है रिस्की भी है थोड़ी रिस्की भी है क्योंकि okay. so, हैदराबाद सबसे ज़्यादा बिरयानी खाता है लखनऊ से भी ज़्यादा हाँ लखनऊ में लखनऊ कबाब ज़्यादा है इफ़ आई कैन से कि वहाँ के ट्डे कबाब दस्तरखान तो हम अपनी जब कबाब्स को बेंच करते हैं तो लखनऊ के कबाब से बेंच करते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग कराते हैं एंड टचवुड हमारे कबाब्स बिरयानी भाई के लोग के जब हम वो लखनऊ वाले टंडे दस्तरखान वगैरह कबाब से बेंच कराते हैं ब्लाइंड टेस्ट में उससे भी अच्छे ही आते हैं पर लखनऊ इज मोर लगता है लोगों को बिरयानी कभी रही होगी पर आज भी है पर नथिंग टू द कम्पेरिजन ऑफ हैदराबाद और चेन्नई लखनऊ इज़ अ कबाब सिटी ओके सो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बिरयानी सेकेंड इज़ चेन्नई आई वुड से थर्ड बी बेंगलोर अच्छा तो थर्ड भी लखनऊ ने यहाँ था नहीं आई वोट इन टर्म्स बिरयानी कंजम्पशन साउथ इज सर राइस ईटिंग हाँ तो उन लोगों का हा, हा। स्टेपल वो है स्टेपल वो है ओके सो ये एंड सबसे ज्यादा बिरयानी बाई किलो की कौन सी बिरयानी बिकती हैदराबादी हैदराबादी चिकन बिरयानी ओके फिर सेकेंड लखनवी मटन थर्ड कटल बिरयानी फोर्थ पनीर बिरयानी ओके सो ओके क्वेश्चन अगेन कौन सी सिटी में आपका सबसे ज़्यादा ऑर्डरस आते हैं दिल्ली एन क्योंकि हमने शुरू वहाँ से किया था तो ब्रांड इज द देंड कितना होगा डेली एन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेली पच्चीस पच्चीस दिन के होंगे करीब चार पाँच हजार ऑर्डर्स डेली चार पाँच हज़ार ऑर्डर सिर्फ डेली एन खाता है बिरयानी बाई लोग क्रेजी और रोज़ चार पाँच हज़ार बिरयानी जाती हैं ठीक है दैट इज कबाब भी फिर भी और भी काफी हाँ, हाँ, हाँ। 75 नहीं, नहीं, पीपल एवं

हाँ, बेंगलोर अच्छा है, बेंगलोर इज इन टॉप थ्री बॉम्बे में काफी बड़ा है है में काफी बड़ा सो फॉर यू फ्रॉम जमशेदपुर टू लखनऊर व्हाट माय पॉइंट बेस्ट बिरयानी प्लेस साउथ में चल पाते दादा। हाँ, हाँ, क्योंकि सी, वी आर डूइंग हैदराबादी लखनवी कलकत्ता गुंटूर तो उनको तो क्या है कि हैदराबादी तो मिल ही रही है लखनऊ भी जो नहीं मिलती है वो भी मिल रही है कलकत्ता भी मिल रही है गुंटूर भी मिल रही है कबाब भी मिल रहे हैं एंड दे नो एवरी वन नोज कि बिरयानी बाई किलो इज़ ओनली कंपनी टू मेक इट फ्रेश फॉर एवरी ऑर्डर इन हांडी और हांडी की सील कस्टमर खोलेगा और अभी बनी आधे घंटे पहले Hmm. तो वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर इन द क्वालिटी वेज और नॉन वेज का कितना डिफरेंस होता है इंडिया इज क्वाइट अ वेज पर बिरयानी में अनफॉर्चूनेटली 75% 70-75 परसेंट नॉन वेज है पच्चीस से 30 परसेंट वेज है विच वी वॉन्ट टू चेंज टू 50-50, तो हम लोग काफ़ी नई वेज बिरयानीस निकालते रहते हैं अभी तो कटहल छोले पनीर वेज है पर सोया चाप है पर धीरे धीरे और भी निकालेंगे बट इज़ लार्जली इंडिया अ कंट्री और अ वेज कंट्री साउथ में नॉन वेज है इफ़ यू सी द मैप ऑफ नॉन वेज वेज कई बार लोगों को लगता है पंजाबी से पंजाब नॉन वेज होगा पंजाब इज़ अ वेज ईटिंग पंजाब इज वेज ईटिंग वेज मतलब वेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे मैप में एक नॉन वेज वेज का अगर मैप का भी देखें साउथ में एट्टी नाइन्टी परसेंट नॉन वेज है पंजाब में वेज है सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो इट इज व्हाट इट डजन तो साउथ काफ़ी नॉन वेज है ईस्ट काफ़ी नॉन वेज है के एफ सी सबसे ज़्यादा ईस्ट में चलता है इंडिया में तो ईस्ट और साउथ काफ़ी नॉन वेज है वेस्ट और नॉर्थ मोर वेज की तरफ है ओके सो मतलब ईस्ट में मतलब कोलकाता साइड पे बहुत ज़्यादा चलता है बंगाली लोग इफ आई कैन से मछली चीजें ये सब काफ़ी आई एम जनरलाइजिंग हां 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 पर नो दिस 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 इज 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 डेटा डेटा सो नॉट टू इट द साउथ साउथ एंड ईस्ट स्पेशली जर्लाइजिंग है फिर ईस्ट फिर बल्कि नॉर्थ लोगों को लगता है पंजाबी लोग तो सब बड़े बट आप जाओ इट्स अ वेरी वेज इटिंग आप इधर यू गो टू अमृतसर गोल्डन टेंपल आसपास देखोगे सब वेज ही वेज मिल रहा है नॉन वेज ढूंढना पड़ता है मतलब

टिक फ्रेश आई थिंक इतना बिक रहा है मतलब यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन द राइट वे सो एंड आपका मार्केट शेयर कितना होगा इसमें अगर इंडिया में सबसे ज्यादा बिरयानी ही बिकती है इनफैक्ट एक साल में इतनी बिरयानी बिकी है कि जितने में आठ कुतुब मीनार भर जाए दैट इज़ इट्स अ वेरी फ्रेगमेंटेड मार्केट स्टिल क्योंकि लोकल प्लेयर्स बहुत हैं बॉम्बे में अलग लोकल प्लेयर है बेंगलोर में अलग कैलकटा में फेवरेट्स हैं जो तीस तीस चालीस साल से हैं तो फ्रेगमेंटेड बहुत है दिस नॉट अ विनर टेक्स ऑल मॉडल पर इंडिया लेवल पे आई वुड से कि हमारा शेयर सबसे ज़्यादा है मतलब इट विल बी बिटवीन फाइव एंड टेन परसेंट ओके okay. पर धीरे धीरे आर टारगेट इज कि फोर इयर्स में हम ट्वेंटी परसेंट तक पहुँच जाए इ, मतलब इन दिस कैटेगरी क्योंकि फ्रेगमेंटेड इतनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट के ऊपर शेयर लेना मुश्किल है दैट इज़ आर टारगेट की ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट हम शेयर अगले चार पाँच साल में ले लें पर कैसे ले, करोगे वो क्योंकि पंद्रह हज़ार करोड़ का अनऑर्गनाइज मार्केट है तो हाँ इट इट हैपन्स यू नो कैटेगरीज कि जैसे जैसे कंट्री रिच होती जाती है दे वॉन्ट अ बेटर प्रोडक्ट जो कि यू नो हाइजीनिक है जिसमें पीपल कैन ट्रस्ट द ब्रांड क्वालिटी चीज़ें वेराइटी रेंज सर्विस तो जैसे जैसे कंट्री एक सर्टेन लेवल पर रिच होती है आई थिंक इट हैज हैपन फ्राम एपरल लाइक वी साइड की पहले लोग पास के टेलर पर चले जाते हैं ऑर्गेनाइज अब शर्ट पैंट किसी ना किसी ब्रांड की लेंगे भाई तो दैट स्टार्टनिंग मतलब एक पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन कर्व आ जाता है हो सकता है बीस पच्चीस परसेंट शेयर नहीं हो पंद्रह से अठारह हो हमारा बट दैट इज अ डायरेक्शन पाँच साल दिर्ण में नहीं होगा आठ साल में हो जाएगा बट होना हो जाएगा क्योंकि दैट डायरेक्शन इज क्लियर की वो क्लियरिटी क्योंकि इतनी सिटीज में हमारे अलावा या एक एक ब्रांड और के अलावा और कोई नहीं है hmm. लेवल पे सप्लाई चेन ब्रांड बिल्डिंग यू नो बट लोकल कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है बहुत ज्यादा वो हमेशा रहता है पर वी से कि वी यू कैन ट्रस्ट बिरयानी बाई किलो फॉर द हाइजीन द क्वालिटी ऑफ इंग्रीडियंट्स द रेंज वो सब लोग भी हो. जो अच्छे प्लेस बन गए होंगे वो लोग भी देते हैं हाँ देते हैं पर लेकिन क्या है like तो मेघना बिरयानी नहीं, नहीं नहीं सभी, नहीं जो हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ तो लेकिन क्या है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप बेंगलोर से हो बेंगलौर के बाहर जा रहे हो तो आपको नहीं पता ना जलंधर में दिल्ली में मैं किसकी खाऊं या धीरे धीरे लोग और फिर वो मान लो मेघना या कोई और है वो हैदराबाद ही दे रहे हैं हम लखनवी भी दे रहे हैं विच इज़ लेस स्पाइसी फ्लेवर हैं हम कलकटा भी दे रहे हैं हम कबाब्स बहुत अच्छे तो दस अ रेंज ऑल्सो एंड ऑफकोर्स हम हांडी में दे रहे हैं जो कोई नहीं दे रहा हैं पॉक्स दे रहे हैं फ्रेश दे रहे हैं उस हांडी में बना के तो डिफ्रेंशिएटर तो है ओके आई हैव लास्ट थ्री क्वेश्चन वन इज आप डाइन इन और डाइन आउट के बीच में क्या ट्रेंड्स देख रहे हो क्या इंडिया में लोग ज़्यादा बाहर खाना प्रेफर करते हैं कि घर में दोनों ही हैं दोनों ही हैं दोनों अलग अलग ट्रेंड्स हैं दो वॉट इज मोर एविडेंट तो राइट नाउ आई वुड स्टिल से डाइनिंग आउट थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहा है देन डाइन इन ओके यू फील ज़्यादा लोग बाहर जाके खाना प्रेफर जो नहीं करते अब कर रहे हैं कर, क्योंकि कोविड में एक ट्रेंड आया कोविड के बाद कि घर में इतना बैठना पड़ गया आप देखोगे एयर ट्रेवल देखिए होटल्स देखिए जो होटल ऋषिकेश में फाइव स्टार दस हज़ार रुपये नाइट मिल जाता था अब बीस पच्चीस हजार रुपये नाइट मिलता है सब डबल हो गए हुँ. क्योंकि एक वो एक जो लेटेंट डिमांड जो कोविड के बाद आई कि भाई हमें बाहर जाना है हुँ. हमें ट्रेवल करना है हमें तो वो एक निकलना है पर दैट ट्रेंड वी बिलीव एक डेढ़ साल में फिर से वापस चेंज हो जाएगा डाइनिंग इन में ऑल्डो डिलीवरी मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है पर आई वुड स्टिल एग्री कि डाइन आउट मार्केट उससे भी तेजी से ग्रो कर रही है पर बोथ मार्केट्स विल ग्रो इसमें एक एक दो दो साल में ट्रेंड चेंज मुझे लगता है, होता रहता है फिर लोग थक जाते हैं बाहर जा जा कर फिर कहते हैं कि चलो घर में ही पार्टी करेंगे शांति से बैठेंगे तो दीज आर ट्रेंड्स विच की कोविड के बाद की वजह से ट्रेंड है ये सब ज़्यादा है बाहर जाके ज़्यादा करो एंड एक्सपीरियंस मैटर्स मोर ओके क्वेश्चन बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ ने रेस्टोरेंट स्टार्ट करे वाई डू यू थिंक सेलिब्रिटी लेड रेस्टोरेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि आई थिंक कोई भी चीज़ अगर आप राइट रीज़न की वजह से नहीं करेंगे देखिए कई चीज़ों में ग्लैमर है मूवी इंडस्ट्री में है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी लोगों को लगता है कि देखिए हमारा रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला सकते हैं सोशलाइज़ कर सकते हैं हमारी इज्जत बढ़ेगी और सेलिब्रिटीज़ को शायद लगता है कि हमारे नाम की वजह से लोग आ जाएंगे हमें तो मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी पर लेकिन एक बार आ भी जाएं अगली बार तो कस्टमर क्वालिटी प्राइस सर्विस की वजह से आएगा एंड फूड यू नो रेस्टोरेंट आई यू नो सेड इन द दॉडकास्ट ऑल्सो दैट वे आर कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस सप्लाई चें कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की सप्लाई की प्रोसेस की लेबर की ट्रेनिंग्स की कस्टमर सर्विस की तो उतना अगर आपका डीएनए नहीं है या उतना आप उस लेवल का काम करने को राज़ी नहीं है तो कस्टमर एक बार तो आ जाएगा सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट रे 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 में अगली बार वो नहीं आएगा उससे ये सर्विस धीरे धीरे प्रोडक्ट क्वालिटी क्योंकि दिस हैज़ टू बी ए फुल टाइम जॉब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साइड में खोल दिया अच्छा सोफा अच्छी अच्छी मतलब पैकेजिंग कर दी अच्छा डेकोर कर दिया शुरू में अच्छी कटलरी शुरू में अच्छा खाना भी ले कर दिया अच्छा शेफ़ आ गया फिर वो शेफ़ छः महीने में भाग गए प्रोसेस सिस्टम्स है नहीं सब चीज़ क्रैश कर गई तो इट हैज़ टू बी डन फॉर द राइट रीजंस कि भई आप एक बिजनेस बना रहे हैं बिजनेस की तरह विद ऑथेंटिसिटी विद पैशन विद सिस्टम्स प्रोसेस तो वो बहुत जरूरी है तो फील लैक ऑफ सिस्टम्स एंड लैक ऑफ एन एक्सेलेंट ऑपरेटर यस इज द रीजन फॉर यस यस फेलियर ऑफ सेलिब्रिटी लेट बिजनेस नहीं पर ऐसा नहीं कि सारी सेलिब्रिटी लेट फेल बहुत है, सारे सक्सेस इंडिया कर, का कर, सबसे

देर इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वन सौ करोड़ एक जगह से ही बन सकते हैं एंड देन देर इज वेरी हाई रेट ऑफ फेलियोर इन द बिजनेस वेर पीपल आर किसी भी बिजनेस डेडिकेटेड है बट आपको डेडिकेशन से करना पड़ेगा राइट right रीजन के लिए बट दे कैन ऑल्सो सस्टेन फॉर ईयर्स एंड ईयर वेरी हाईली डिफेंसिबल बिजनेस एंड डू थिंक जो फेस्टिवल डेज है उस पर सेल बढ़ती है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेल कौन से फेस्टिवल बढ़ती है हमारे केस में न्यू ईयर पे <laughs> <laughs> हमारे केस में न्यू ईयर्स पे थर्टी फर्स्ट दिसंबर ओके थर्टी फर्स्ट आप लोग ऐसा कोई पार्टी नहीं करेगा पहले काम कल करेंगे कल जाके पार्टी करेंगे आज मना लेते इवन फर्स्ट जनवरी को बहुत होती है तो सेकंड को करेंगे बैठे होते हैं want, पार्टी कर चुके होते हैं घर पे कह रहे यही मंगाएंगे थर्टी दिसंबर फर्स्ट जनवरी तो हमारे लिए बेस्ट क्रिसमस भी नॉर्मल डेज और कितना मतलब वो भी मैं संडे से कंपेयर कर रहा हूँ नॉट मंडे से okay. हाँ तो अगर ए, एक संडे को सौ डिलीवरी आती है तो थर्टी फर्स्ट पर ढाई सौ डिलीवरी बल्कि तीन सौ साढ़े तीन सौ भी हो सकती 3. 3 ना, okay. so, 300 300 आती है इवन होली पर दिवाली पेग हाँ इसमें लोग अपने घर पे बना के घर का खाना होली पे तो खासकर बड़ा है कोई नहीं बनाता दिवाली पर फिर भी थोड़ा सा पर दिवाली से पहले वाले दिन पर न्यू ईयर पर बहुत सबसे ज्यादा है

यू हैव इफ यू एंटिसिपेट द स्कोर्स दिस दैट अगर okay, आप bro. करेंगे पार्टिसिपेट तो आपको इतना डिस्काउंट वर्ल्ड कप के लिए इतना डिस्काउंट मिलेगा वर्ल्ड कप में hmm. इस मैच में अगर आपने इस टीम का ये बता दिया तो मतलब वो प्रमोशंस चेंज हो जाते हैं बिकॉज यू हैव टू एंगेज विद द टाइम्स ओके एंड डू यू पे समय रहना एज वेल आई व्हाट डू यू पे समय समय आपका इन्फ्लुएंसर है क्योंकि समय से मैंने फर्स्ट <laughs> टाइम सुना था बिरयानी बाय किलो <laughs> नहीं नहीं ही इज जस्ट यू नो वेरी बिग आई वुड से वी आर हिज फैन एंड ही हैज बीन आवर

जोमेटो के भी हम एग्रीगेटर्स के भी हम कुछ ऑर्डर्स काफ़ी डिलीवर करते हैं। तो हमारे डिलीवरी राइडर्स भी बिलीव क्योंकि हांडी हैं चीज़ें हैं देर बेटर ट्रेंड ओके टू कैरी दैम टू टेल द कस्टमर कि भाई इसी हांडी में बनी है बिरयानी जिसमें डिलीवर हुई है तो इसमें मसाला नीचे है राइस ऊपर है इसको कैसे मिलाना है आँच बॉक्स कैसे दे बेटर ट्रेंड दे मोर पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट वी प्रिफर टू यूज़ दैम वेर वी कैन अच्छा बट जोमेटो से जो ऑर्डर करते हैं उसमें आपके तो राइडर भी, भी जाते हैं, हैं। आपके राइडर जाते हैं काफी ओके सो हाउ मच वुड बी वुड से फिफ्टी फिफ्टी जोमैटो के बिजनेस है जो बिना जोमेटो स्विगी के आता है और वर्सेस आपका आता है करीब थर्टी फोर्टी परसेंट बिजनेस हमारे अपने चैनल से आता है अपने वे, हमारी वेबसाइट हमारी ऐप हमारे कॉल सेंटर हमारे जो डाइन इन आउटलेट्स हैं तो हर सिटी में एक डाइन इन आउटलेट है हमारा जलंधर जयपुर दिल्ली इंदौर कैलकटा इंदौर हर सिटी में एक है बाकी डिलीवरी वाले हैं तो right. करीब थर्टी फोर्टी परसेंट बिजनेस हमारे चैनल से आता है बाकी एग्रीगेटर से आता है एंड इज बिगर फॉर यू

सो so मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में हमने क्या गलतियाँ करी ताकि हम उसे सुधार सकें एंड क्या अच्छी चीज़ें करी जिसको हम वापस कर सकें और आपके लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू और बेहतर लर्निंग्स ला सकें आपको एजुकेट कर सकें और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ा सकें ये एपिसोड एंड करने से पहले किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज सम लाइफ एक कॉन्वर्जेशन किसी को बहुत हेल्प कर सकता है आल सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन की